हेलो एवरीवन। तो हम लोग ब्रेक के पहले एक्सिस रोटेशन मैट्रिक्स एंड वेक्टर रोटेशन मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं, दोनों में बेसिकली एक साइन का डिफरेंस है। एक्सिस रोटेट करे या वेक्टर रोटेट करे, मतलब एक्सिस रोटेशन में क्या था, वेक्टर फिक्स था, और वेक्टर रोटेशन में एक्सिस फिक्स था। और दोनों केस में जो मैट्रिसेस आते हैं उसमें साइन कोसाइन का ही है, जैसे एक प्लस माइनस साइन का एक माइनर चेंज आता है अगर आप दोनों को कंपेयर करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऑल्दो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है मतलब क्या रोटेट कर रहा है, बट हम क्वेश्चन पढ़ के आइडिया लगा सकते हैं, मतलब एक्सिस रोटेशन है या वेक्टर रोटेशन है, हम थोड़ा आइडिया तो लगा सकते हैं कि किसके बारे में बोला गया है। ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऑब्वियसली अगर आपका कोऑर्डिनेट रोटेशन हो, मतलब एक्सिस का रोटेशन हो या वेक्टर का रोटेशन हो, ये कोऑर्डिनेट तो चेंज करता ही है। ठीक है, तो एक्सिस का रोटेशन हो या वेक्टर का रोटेशन हो, कोऑर्डिनेट तो चेंज करेगा ही। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स वाई, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद ये आ गया। देखिए ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ओल्ड कोऑर्डिनेट है, मल्टीप्लाई किया किससे, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स से, तो आपको नया कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो बेसिकली ये है न्यू कोऑर्डिनेट्स एक्स डैश वाई डैश इक्वल टू ओल्ड कोऑर्डिनेट्स के साथ ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो है वन माइनस वन 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 इंटू ओल्ड कोऑर्डिनेट, ये ट्रांसफॉर्मेशन है बेसिकली। ना क्वेश्चन पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब चार ऑप्शंस गिवन है, इनमें से कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन इस मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट, ये मैट्रिक्स किस ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है, चार ऑप्शंस है। अब देखिए जो ऑप्शंस हैं उसमें से कुछ पॉइंट कॉमन है, एक तो है रोटेशन बाय एन एंगल 45 डिग्री, तीन ऑप्शन में ये गिवन है, रोटेशन बाय एन एंगल 45 डिग्री अबाउट जेड एक्सिस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, चार ऑप्शन में ये रोटेशन के बारे में बोला गया है। ठीक है, अब इस केस में रोटेशन कौन से डायरेक्शन में है गिवन तो है नहीं, क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है गिवन तो है नहीं। जब कुछ नहीं गिवन होता है तो हम क्या मान के चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल पॉजिटिव होता है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है। ये हमने कॉम्प्लेक्स में भी कुछ जगह पे यूज किया था। क्वेश्चन में गिवन है डायरेक्शन तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो हम क्या मान के चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, बिकॉज एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन होता है। तो ऑल्दो ऑप्शन में मेंशन नहीं किया गया है तो हम इसको क्या मान के चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, कुछ ना गिवन है तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन ही मान के चलते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप मुझे बता सकते हैं इस क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्मेशन है या मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस रोटेट कर रहा है या वेक्टर रोटेट कर रहा है, ये मेंशन नहीं किया गया है कहीं पे, जस्ट रोटेशन बोला गया है, एक्सिस का रोटेशन है या वेक्टर का रोटेशन है ये बोला नहीं गया है, लेकिन आप आइडिया लगा सकते हैं। एनीवन, यहां पे एक्सिस रोटेट कर रहा है या वेक्टर रोटेट कर रहा है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, कुछ नहीं गिवन है तो एंटी क्लॉकवाइज ही मान के चलेंगे। किसी ने बोला है वेक्टर रोटेट कर रहा है, किसी ने बोला एक्सिस रोटेट कर रहा है, आंसर इज यहाँ पे वेक्टर रोटेट कर रहा है। यहाँ पे कुछ नहीं गिवन है तो हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही मान के चलेंगे। ठीक है, कुछ नहीं गिवन है तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जो फाई है वो पॉजिटिव होगा, इट इज प्लस 45। तो ये वेक्टर किस प्लेन में है, ये वेक्टर एक्स वाई प्लेन में है, जस्ट एक्स वाई कोऑर्डिनेट की बात की गई है। तो आप बताइए अगर एक्सिस रोटेशन होता इनकेस ऑफ एक्सिस रोटेशन, जो रोटेशन मैट्रिक्स है उसका फॉर्मेट क्या होता है एक्स वाई प्लेन के लिए, कॉस फाई साइन फाई माइनस साइन फाई कॉस फाई, एंड अगर वेक्टर रोटेशन होता इन दैट सिनेरियो, वेक्टर रोटेशन
इसमें जस्ट साइन जो है उसका साइन चेंज कर जाए, साइन फाई जो है उसका साइन चेंज करते, कॉस फाई माइनस साइन फाई, साइन फाई कॉस फाई, एक्सिस रोटेशन वेक्टर रोटेशन ये होता है। अब यहां पे फाई क्या है, प्लस 45। अगर आप यहां पे फाई के बदले प्लस 45 लिखते हैं, ठीक है, तो देखिए साइन क्या आएगा, जो नंबर आएगा उसका साइन क्या है, यहां पे पॉजिटिव आएगा कॉस 45, प्लस प्लस माइनस प्लस, जो नंबर आएंगे जो भी वैल्यू आएगा उसके साइन की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। यहां पर अगर आप फाई इक्वल टू 45 प्लेस करते हैं, प्लस माइनस प्लस प्लस, यहां पे क्या साइन है आप नोटिस करो, किसके साथ मैच कर रहा है साइन, ये वेक्टर रोटेशन में जो साइन आएगा उसके साथ मैच कर रहा है, प्लस साइन फाई के बदले 45 रिप्लेस कीजिए, ये मैच कर रहा है क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स का एलिमेंट्स के साइन है, प्लस माइनस प्लस प्लस, प्लस माइनस प्लस प्लस। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स की बात की गई है वो वेक्टर रोटेट कर रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स्ड है। तो एक तो है क्वेश्चन में कुछ नहीं गिवन है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन मान के चलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज है तो 545। अब एक्सिस रोटेट कर रहा है या वेक्टर रोटेट कर रहा है अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो हम इस तरीके से साइन चेक करके बता सकते हैं। एक्सिस रोटेट करता तो प्लस प्लस माइनस प्लस आना चाहिए था, वेक्टर रोटेट करेगा तो प्लस माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पे ये साइन मैच कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, क्लियर एवरीवन, ऐसे आइडेंटिफाई करेंगे। नाउ देखते हैं तो क्या बोला गया है, रोटेशन बाय एन एंगल 45 डिग्री, तो 45 डिग्री से रोटेट करेंगे, मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। रोटेशन मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं उनका साइन चेक करके हम बता सकते हैं वेक्टर है या वेक्टर रोटेशन है या एक्सिस रोटेशन है। साइन मतलब पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा जो कंपोनेंट्स है, तो रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस, बाय एंगल फाई इक्वल टू 45 डिग्री। तो क्या आएगा देखिए, कॉस 45 माइनस माइनस साइन 45, साइन 45 कॉस 45, ये आएगा रोटेशन मैट्रिक्स वैल्यू। अगर आप रिप्लेस करते हैं कॉस और साइन का, दिया जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2, 1/√2, 1/√2। तो अगर जेड एक्सिस के अबाउट 45 डिग्री से रोटेट करते हैं तो जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ऐसा दिखना चाहिए, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है वो ऐसा दिखना चाहिए, ठीक है। इससे आप बता सकते हैं एक ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता, एक ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है होना। कौन सा ऑप्शन जो बिल्कुल नहीं हो सकता, इससे आप बता सकते हैं जो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में क्या दिया गया था, ऑप्शन डी में बोला गया था ओनली रोटेशन, ओनली रोटेशन में तो मैट्रिक्स मैच नहीं कर रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में गिवन है वो ये है, 1-1, 1-1, अगर हम सिर्फ रोटेशन की बात करें तब तो ये मैट्रिक्स का फॉर्म ही मैच नहीं कर रहा है, एलिमेंट मैच नहीं कर रहा है ना, 1/√2 आना चाहिए था, यहाँ पे 1 है, तो सिर्फ रोटेशन तो नहीं है, ओनली रोटेशन तो नहीं आएगा, ये तो श्योर है, बिकॉज ओनली रोटेशन में जो मैट्रिक्स आया 1/√2 के फॉर्म में वो इसके साथ मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। और भी कुछ है, आप देखिए जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन में बोला गया है रोटेशन फॉलोड बाई एक्सपेंशन ऑफ बोथ एक्स वाई कोऑर्डिनेट बाई ए फैक्टर ऑफ √2,
एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, दोनों को रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन किया गया तो क्या होगा, रोटेशन के बाद एक्सपेंशन बाय ये फैक्टर ऑफ रूट टू, दोनों कोऑर्डिनेट में रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन कर दिया गया, बी ऑप्शन में ये है। ठीक है, अब बताइए रोटेशन करने के बाद कोऑर्डिनेट क्या आएगा, अगर आप चेक करें जो न्यू कोऑर्डिनेट्स हैं वो आएंगे एक्स एन इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई बाई रूट टू, ये मैट्रिक्स यूज कीजिए रोटेशन मैट्रिक्स, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे ऑपरेट कीजिए ये आ जाएगा, और रोटेशन के बाद जो न्यू कोऑर्डिनेट है वो आएगा वाई कोऑर्डिनेट एक्स प्लस वाई बाई रूट टू, ये मैट्रिक्स है ना जो रोटेशन मैट्रिक्स है, इसको आप ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई पे मल्टीप्लाई ऑपरेट कर दीजिए, जो ओल्ड कोऑर्डिनेट है उसके ऊपर अपलेट कर दीजिए, ये न्यू कोऑर्डिनेट ये आ जाएंगे, तो रोटेशन के बाद न्यू कोऑर्डिनेट्स ये हैं। अब फिर क्या किया गया, रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन, रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन करेंगे तो फाइनल कोऑर्डिनेट क्या आएगा, रूट टू इंटू एक्स एन और वाई डैश रूट टू इंटू वाई एन, रोटेशन के बाद जो कोऑर्डिनेट है उसमें रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन हो रहा है, रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन है तो रूट टू से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा एक्स माइनस वाई और यह आएगा एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये जो दो रिलेशंस हैं इनको अगर आप मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखना चाहें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा एक्स डैश वाई डैश, राइट हैंड साइड ओल्ड कोऑर्डिनेट एक्स वाई और मैट्रिक्स वन माइनस वन वन वन। तो देखिए ये एग्जैक्टली यही रिलेशन क्वेश्चन में भी गिवन था, यहाँ पे ओनली रोटेशन नहीं है, रोटेशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, 45 डिग्री से रोटेट करेंगे तो ये मैट्रिक्स है रोटेशन मैट्रिक्स, इस रोटेशन मैट्रिक्स को अगर आपने ओल्ड कोऑर्डिनेट्स पे ऑपरेट किया तो न्यू कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई पे ऑपरेट करेंगे तो न्यू कोऑर्डिनेट ये आ जाएगा, तो दीज आर द न्यू कोऑर्डिनेट्स आफ्टर रोटेशन। अब रोटेशन के बाद क्या है, एक्सपेंशन, तो न्यू कोऑर्डिनेट क्या है एक्स एन एंड वाई एन, दोनों को अगर हम रूट टू फैक्टर से एक्सपेंड करें तो एक्स डैश इक्वल टू रूट टू एक्स एन, एक्स माइनस वाई ये रूट टू फैक्टर कैंसिल कर जाएगा, वाई डैश इक्वल टू रूट टू वाई एन एक्स प्लस वाई, तो क्या आ गया एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा, और क्वेश्चन में यही गिवन था, इसका मतलब है क्वेश्चन में जो ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बाय 45 डिग्री फॉलोड बाय ये एक्सपेंशन बाय ये फैक्टर ऑफ रूट टू, पहले रोटेशन फॉलोड बाय एक्सपेंशन, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी में सेम मैट्रिक्स आ रहा है या सेम ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो क्वेश्चन में गिवन है, बाकी ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं किसी भी ऑप्शन में ये मैच नहीं करेगा। किसी ने हैंड रेस किया, क्या क्वेश्चन है सर? यहाँ पर हम रोटेशन अबाउट जेड एक्सिस बाय पाई इक्वल टू 45 की बोल रहे हैं, जब हमको पता है कि वेक्टर रोटेशन हुआ है ऊपर, तो वेक्टर रोटेशन भी किसी एक्सिस के अबाउट ही तो होगा, यहाँ पे थोड़ा बोला गया एक्सिस का रोटेशन, इसके अबाउट रोटेशन बोला गया है, इसके अबाउट का मतलब जेड तो फिक्स्ड ही रहेगा, जेड कहाँ रोटेट करेगा, वेक्टर का रोटेशन भी तो किसी एक्सिस के अबाउट ही होता है, हमने पीछे डिस्कस किया था ये रोटेशन हुआ था किसी एक्सिस के अबाउट ही तो हुआ था, ये जेड एक्सिस तो ना चेंज होगा, जिसके अबाउट रोटेशन है वो तो वहीं पे रहेगा, वेक्टर का रोटेशन होगा, तो रोटेशन क्या वैसे एक्सिस रोटेशन तो होना ही पड़ेगा, विदाउट एक्सिस रोटेशन आप कैसे बताएंगे,
राइट, इसने क्वेश्चन किया ट्रांसलेशन बाय वन यूनिट, ऐसे ऑप्शन ए में गिवन है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग क्या आंसर आना चाहिए था ये मैं लिख देता हूं, मतलब क्या इक्वेशन आना चाहिए। ऑप्शन ए में पहले क्या हुआ रोटेशन, तो पहले रोटेशन होगा तो क्या होगा, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। रोटेशन होने के बाद कोऑर्डिनेट ये होगा, एक्स माइनस वाई बाई रूट टू एंड एक्स प्लस वाई बाई रूट टू, रोटेशन करेंगे तो ये आएगा। फिर बोला गया है ट्रांसलेशन ऑफ बोथ, ट्रांसलेशन बाय वन यूनिट अलोंग एक्स एंड वाई। अब एक्स वाई है पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे होगा प्लस माइनस वन, जो कोऑर्डिनेट है उसमें प्लस वन या माइनस वन, प्लस वन है या माइनस वन है वो डिपेंड करेगा ट्रांसलेशन के अलोंग हो रहा है या नेगेटिव एक्स के अलोंग हो रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट होगा। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए। तो ट्रांसलेशन बाय वन यूनिट जो ऑप्शन ए में गिवन है उसका मतलब है एक्स वाई कोऑर्डिनेट में प्लस वन या माइनस वन हो जाएगा, ये प्लस माइनस है वो डिपेंड करेगा ट्रांसलेशन किस तरफ हो रहा है, पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स उसके ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग ये आना चाहिए, ये भी मैच नहीं करेगा। तो ट्रांसलेशन का मतलब है सिंपल कोऑर्डिनेट वन यूनिट चेंज कर देंगे, वन यूनिट से इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, ठीक है। और एक्सपेंशन का मतलब है वैल्यू को ही टोटल इंक्रीज कर रहे हैं, टोटल वैल्यू को फैक्टर से। जैसे आपका कोऑर्डिनेट था वन वन, सपोज कोऑर्डिनेट आपका था वन वन, रूट टू फैक्टर से एक्सपेंशन करने का मतलब है वो रूट टू बन जाएगा। ठीक है, मतलब आप वेक्टर का लेंथ चेंज कर, अगर आप फिजिकली समझना चाहें वेक्टर का लेंथ चेंज कर रहे हैं, आप ऐसे सोच सकते हैं। सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, एक वेक्टर है ये, सपोज ये पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट है रूट टू रूट वन वन वन। तो ये जो वेक्टर होगा ओपी, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और लेंथ कितना होगा, रूट टू, लेंथ होगा रूट टू यूनिट, इसके लिए बता रहे हैं, ठीक है। ये अलग मतलब जस्ट ये एक्सपेंशन क्या है वो समझाने के लिए बता रहे हैं। तो ये जो वेक्टर है इसका यूनिट रूट टू है, मैग्नीट्यूड रूट टू है। अब इसका एक्सपेंशन किया गया मतलब एक्स वाई दोनों कोऑर्डिनेट को रूट टू फैक्टर से चेंज किया गया, तो रूट टू फैक्टर से चेंज करेंगे तो जो नया पॉइंट है वो ये आएगा P डैश, इसका कोऑर्डिनेट है रूट टू, तो नया वेक्टर OP डैश, जो OP डैश वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड चेक कीजिए, ये टू यूनिट आएगा। तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को रूट टू फैक्टर से एक्सपेंड करने का मतलब है बेसिकली जो मैग्नीट्यूड है वो रूट टू फैक्टर से इंक्रीज, रूट टू टाइम्स इंक्रीज हो रहा है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को एक्सपेंड करने का मतलब है जो मैग्नीट्यूड है वो रूट टू टाइम्स इंक्रीज हो, यहां पे पहले वन वन था, रूट टू टाइम्स इंक्रीज करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, इसको एक्सपेंशन बोल रहा है। तो बेसिकली क्या इंक्रीज कर रहा है, लेंथ ही तो इंक्रीज कर रहा है ना, तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट को एक्सपेंड करने का मतलब है वेक्टर के लेंथ को एक्सपेंड कर रहे हैं, पहले रूट टू था अभी टू यूनिट है, क्लियर, दिस इज एक्सपेंशन। और कोई डाउट इसमें, सर ऑप्शन सी के हिसाब से
पहले दोनों में प्लस माइनस वन आएगा, मतलब एक्स प्लस माइनस वन, और फिर रूट टू आएगा, रूट टू एक्स प्लस माइनस वन। बिल्कुल, मतलब पूरे के साथ रूट टू मल्टीप्लाई होगा। हाँ ठीक। और सर ये ऑप्शन ए में जैसे आप बता रहे हैं कि एक्स माइनस वाई अपॉन रूट टू प्लस माइनस वन न्यू कोऑर्डिनेट बनेगा, तो सर ये प्लस वन कब आएगा और माइनस वन कब आएगा? या आप बोल रहे हैं कि एक्सिस की डायरेक्शन में होगा तो प्लस वन आएगा और एक्सिस की जनरली अपोजिट डायरेक्शन। हाँ जनरली ऐसे होगा। मुझे आप लोग एसटीआर में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो पॉजिटिव एक्स कैलम होगा तो माइनस वन आएगा, नेगेटिव एक्स कैलम होगा तो प्लस वन आएगा। ठीक है, पॉजिटिव एक्स कैलम ट्रांसलेशन होगा तो माइनस वन, नेगेटिव कैलम ट्रांसलेशन होगा तो प्लस वन। दिस सिमिलर टू जैसे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन एसटीआर में आप लोग पढ़ते हैं, उसमें भी ऐसे ही होता है, एक्स एक्सिस कैलम ट्रांसलेशन मूव करता है जो फ्रेम है, उसी टाइप का। जो सी ओके ऑप्शन सर। है, सी ऑप्शन में ये बनेगा, मैं लिख देता हूं, चेक करके देखिएगा। पहले ट्रांसलेशन फिर एक्सपेंशन, तो एक्स डैश इक्वल टू रूट टू एक्स प्लस माइनस वन एंड वाई डैश इक्वल टू रूट टू वाई प्लस माइनस वन। सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आएगा। पहले ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन करेंगे तो ये पहले प्लस माइनस वन आ जाएगा, फिर एक्सपेंशन करेंगे तो रूट टू से मल्टीप्लाई करना। और कोई डाउट? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो जैसे हमने रोटेशन मैट्रिक्स के कुछ केसेस के बारे में डिस्कस किए, वैसे रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स भी होता है। अब रिफ्लेक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर लाइन के अबाउट है, लाइन तो कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे मैं कुछ पर्टिकुलर केसेस की बात कर रहा हूँ, और ये सारा एक्स वाई प्लेन में है, जो यहाँ पे केसेस ड्रॉ किए गए लिखे गए हैं, चार केसेस है। रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, एंड रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। इनके अबाउट अगर रिफ्लेक्शन है तो मैट्रिक्स विल लुक लाइक दिस। जैसे जो पहला वाला है रिफ्लेक्शन अबाउट एक्स एक्सिस, मतलब जो मिरर है वो कहां पे है, एक्स एक्सिस के अलोंग है। ठीक है, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रहा है वो रिफ्लेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो सपोज इन एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड देयर इज अ पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। दिस इज द पोजिशन वेक्टर। ठीक है, नाउ यहां पे रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है, एक्स एक्सिस के अबाउट, मतलब दिस इज द मिरर, जो एक्स एक्सिस है मिरर उसके अलोंग प्लेस किया गया है। तो बताइए एक्स एक्सिस के अलावा अगर मिरर प्लेस करते हैं, इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो ऐसा दिखेगा। पी डैश एक्स कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा ना, चेंज सिर्फ किस में होगा, वाई कोऑर्डिनेट में। जो पॉइंट था एक्स वाई उसमें एक्स कोऑर्डिनेट सेम ही रहेगा, चेंज किस में होगा, वाई। तो जो रिफ्लेक्शन के बाद पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स माइनस वाई। तो जस्ट आप इनके बीच में रिलेशन चेक करो, यही मैट्रिक्स आएगा। रिलेशन क्या है, अगर हम एक्स डैश की बात करें, एक्स डैश मतलब जो नया कोऑर्डिनेट है रिफ्लेक्शन के बाद, तो एक्स डैश इक्वल टू क्या है, एक्स। इसको हम लिख सकते हैं वन इंटू एक्स प्लस जीरो इंटू वाई, और रिफ्लेक्शन के बाद वाई कोऑर्डिनेट है वाई डैश। सपोज वाई डैश इक्वल टू क्या है, माइनस वाई, वाई माइनस वाई में चेंज हो गया है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स प्लस माइनस वन इंटू वाई। दिस इज द रिलेशन बिटवीन ओल्ड कोऑर्डिनेट एंड न्यू कोऑर्डिनेट। ओल्ड कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई, न्यू कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डैश वाई डैश। तो देखिए इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में यहाँ पे लिखा गया है, ये जो कोएफिशिएंट्स हैं वन जीरो जीरो माइनस वन। तो एक्स एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा तो हम ये मैट्रिक्स यूज करेंगे।
सिमिलरली और भी कुछ केसेस यहाँ पे लिखे गए हैं, वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होगा, मतलब मिरर को वाई एक्सिस के अबाउट अलोंग प्लेस किया गया है, रिफ्लेक्शन अबाउट वाई इक्वल टू एक्स लाइन, मतलब जो मिरर प्लेस किया गया है वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट है। इसको मैं थोड़ा ड्रॉ कर देता हूं थर्ड केस जो है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और मिरर जो है वो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट है, तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन मतलब ये होगा 45 डिग्री एंगल पे होगा, तो दिस इज वाई इक्वल टू एक्स लाइन और मिरर भी इसी लाइन के अलोंग प्लेस किया गया है। ठीक है, दिस इज ओरिजिन। तो यहां पे अगर एक पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट ले लीजिए, ये पॉइंट P, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसको ना मैं ए बी लिखता हूं, ठीक है, बार बार ये बहुत सारे एक्स वाई है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। सपोज ए बी, इसका रिफ्लेक्शन अगर आपने इस मिरर के अबाउट किया तो देखिए क्या आएगा, दिस यहां पे कहीं पे होगा, y इक्वल टू x को अगर आप मिरर मान के चलते हैं तो इसका जो रिफ्लेक्शन आएगा वो ये आएगा। अब चेक करके देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट है ये बेसिकली बन जाएगा बी ए, जो x और y कोऑर्डिनेट है वो इंटरचेंज कर जाएगा। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, यहां पे आप नोटिस करो, ये जो है दिस इज ए, ये डिस्टेंस जो है ये ए है, पी पॉइंट के लिए बोल रहे हैं, और ये जो डिस्टेंस है ये बी है वाई कोऑर्डिनेट। जब हम पी डैश पॉइंट की बात करेंगे तो ये दोनों इंटरचेंज कर जाएगा, जो एक्स कोऑर्डिनेट है मतलब ये डिस्टेंस जो है ये बन जाएगा बी, और जो वाई डिस्टेंस है वो बन जाएगा ए। ठीक है, तो इस केस में रिलेशन कैसा बनेगा, एक्स और वाई का इंटरचेंज कर रहा है, इसका मतलब है जो नया वाई, जो नया एक्स कोऑर्डिनेट है इट विल बी इक्वल टू जो पुराना वाई कोऑर्डिनेट था, जो नया y कोऑर्डिनेट है वो क्या होगा, जो पुराना x कोऑर्डिनेट था, तो x डैश न्यू x कोऑर्डिनेट इक्वल टू ओल्ड y कोऑर्डिनेट एंड न्यू y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू ओल्ड x कोऑर्डिनेट, इंटरचेंज कर गया है। इसको क्या लिख सकते हैं आप, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई, और इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई, इसी को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 0 1 1 0। ऐसे तो किसी लाइन के अबाउट भी रिफ्लेक्शन हो सकता है, सारा याद रखना तो पॉसिबल है नहीं, बिकॉज देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस जिसके अलावा आप रिफ्लेक्शन ले सकते हैं। ये कुछ पर्टिकुलर केसेस है जो यहाँ पे लिखे गए हैं, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट, y एक्सिस के अबाउट, y इक्वल टू x लाइन के अबाउट एंड y इक्वल टू माइनस x लाइन के अबाउट। इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, रिफ्लेक्शन किसी भी लाइन के अबाउट हो, यहाँ पे तो चार स्पेसिफिक केसेस लिए गए हैं, रिफ्लेक्शन किसी भी के अबाउट हो, रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस आर ऑर्थोगोनल इन नेचर, जो रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस हैं वो ऑलवेज क्या होंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस, जस्ट लाइक रोटेशन मैट्रिसेस। डिफरेंस है यहां पे डिटरमिनेंट जो है वो माइनस वन आएगा, रिफ्लेक्शन मैट्रिसेस जो है वो भी ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस है और डिटरमिनेंट जो है वो माइनस वन आएगा, ठीक है, तो रोटेशन के केस में डिटरमिनेंट प्लस वन, रिफ्लेक्शन के केस में डिटरमिनेंट माइनस वन। सपोज अगर ऐसा हुआ
पहले रोटेशन फिर रिफ्लेक्शन, या पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन। जैसे रोटेशन में डिटर्मिनेंट प्लस वन आता है, रिफ्लेक्शन में माइनस वन आया। सपोज पहले रिफ्लेक्शन किया गया और फिर रोटेशन किया गया, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा? पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? सही, राइट, माइनस वन, दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन, तो रिफ्लेक्शन का डिटर्मिनेंट कितना है रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का? माइनस वन। रोटेशन मैट्रिक्स कितना है? प्लस वन। दोनों का प्रोडक्ट होगा माइनस वन। तो पहले रिफ्लेक्शन फिर रोटेशन, जो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स होगा उसका डिटर्मिनेंट होगा माइनस वन। रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का माइनस वन, रोटेशन मैट्रिक्स का प्लस वन, दोनों का प्रोडक्ट माइनस वन। ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं इसके रिगार्डिंग, कुछ जो भी हमने रोटेशन रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस किया, एक दो और प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। ये गेट 2019 का एक क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर बुकलेट में आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन में बोला गया है, ड्यूरिंग ए रोटेशन वेक्टर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन रिमेन्स अनचेंज्ड। ये तो पता है हम, वेक्टर अगर रोटेशन एक्सिस के अलोंग है तो वो चेंज तो नहीं होता। रोटेशन एक्सिस के अलोंग जो भी है वो तो चेंज होगा नहीं, वो एक्सिस भी सेम रहता है और कोऑर्डिनेट भी सेम रहता है। तो कोई वेक्टर अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है तो वो अनचेंज ही रहेगा। जैसे अगर आप रोटेशन जेड एक्सिस के अबाउट करते हैं और वेक्टर भी जेड एक्सिस के अलोंग ही है तो रोटेशन के बाद भी कोई चेंज नहीं होगा। रोटेशन एक्स एक्सिस के अबाउट है और वेक्टर भी एक्स एक्सिस के अलोंग है तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे एक दो एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे एक वेक्टर है 10i कैप, ये वेक्टर किस डायरेक्शन में है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। It will remain unchanged vector x-axis ka along hai, it will remain unchanged for rotation about x-axis. यही फर्स्ट लाइन में बोला गया है, ठीक है। ऐसे आप वाई जेड के लिए भी बोल सकते हैं। अब क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक रोटेशन मैट्रिक्स गिवन है, दिस इज द रोटेशन मैट्रिक्स, द यूनिट वेक्टर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब अगर रोटेशन मैट्रिक्स ये है तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अलोंग यूनिट वेक्टर क्या होगा? अब मुझे बताइए, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग यूनिट वेक्टर है वो क्या रोटेशन में चेंज होगा? चेंज नहीं होगा, बिकॉज एक्सिस, रोटेशन एक्सिस के अलोंग जो भी वेक्टर है वो अनचेंज रहता है। तो रोटेशन एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर है ये भी अनचेंज रहेगा। मतलब बिफोर रोटेशन जो वेक्टर था, आफ्टर रोटेशन भी सेम वेक्टर होगा, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। तो यही कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जो रोटेशन मैट्रिक्स है आर, इसको अगर हम उस यूनिट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कर देते हैं, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर, इट विल रिमेन अनचेंज्ड। इसका मतलब ये है, आर इज द रोटेशन मैट्रिक्स, एन कैप इज द यूनिट वेक्टर। क्लास बंद होगी तो क्लास बंद होगी, लाइव चल जाएगी। ठीक है, तो R इज द रोटेशन मैट्रिक्स। ये रोटेशन मैट्रिक्स अगर आप यूनिट वेक्टर के ऊपर ऑपरेट करें, ये यूनिट वेक्टर किसके अलोंग है? एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये रिमेन अनचेंज्ड, सेम रहता है। ये स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो जस्ट आपको यही चेक करना है कौन से ऑप्शन के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। देखिए, R मैट्रिक्स क्या है,
जो क्वेश्चन में गिवन है, 0, 1, 0, 0, 0, -1 या -1, 0, 0। और जो यूनिट वेक्टर है उसके तीन कंपोनेंट्स हैं, सब उसको मान लेते हैं ए बी सी, इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो सेम वेक्टर देगा, सेम मैट्रिक्स आएगा ए बी सी। तो जस्ट ये मल्टीप्लाई करके बताइए क्या रिलेशन आ रहा है एबीसी के बीच में, कैलकुलेट इट। पहले रो से आएगा बी इक्वल टू ए, दूसरे रो से आएगा बी इक्वल टू माइनस सी, एंड थर्ड रो से आएगा ए इक्वल टू माइनस सी। जस्ट चेक इट, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कीजिए और दोनों तरफ कंपेयर कीजिए, ए बी सी के बीच में ये रिलेशन आ जाएगा। मतलब बेसिकली क्या होना चाहिए, अगर आप चेक करें, ए और बी सेम होना चाहिए। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट है ए एंड बी, फर्स्ट और सेकंड कंपोनेंट सेम होना चाहिए, और जो थर्ड कंपोनेंट सी है वो ऑपोजिट साइन का, इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए, माइनस है यहां पर। तो फर्स्ट कंपोनेंट ए, सेकंड कंपोनेंट बी इक्वल होना चाहिए, और थर्ड कंपोनेंट सी जो है वो इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इस कंडीशन को, कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को मैच कर रहा है? राइट, सेकंड ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है उसमें आप चेक करके देखिए, ए और बी का वैल्यू सेम है 1/√3, यूनिट वेक्टर है इसलिए नॉर्मलाइज किया गया है, और जो थर्ड कंपोनेंट है सी उसका वैल्यू इक्वल ऑपोजिट -1/√3। बाकी किसी भी ऑप्शन में ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ठीक है। इस क्वेश्चन को और एक तरीके से भी आप इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनीवन, ये तो तरीका है, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आसान तरीका है, जस्ट अप्लाई कीजिए, सेम रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो भी वेक्टर है वो अनचेंज रहेगा, तो रोटेशन मैट्रिक्स को अगर आप वेक्टर पे ऑपरेट भी करते हैं तब भी कोई चेंज नहीं होगा। उसके बाद तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करके ये कंडीशन आएगा, चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। और कोई तरीका है, ये जो स्टेटमेंट है एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग जो वेक्टर है वो अनचेंज रहता है, इसको हम और एक तरीके से भी इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनीवन। बेसिकली ये जो इक्वेशन है, आर एक्टिंग ऑन एन कैप इज इक्वल टू एन कैप, बताइए एनीवन, ये इक्वेशन कोई जाना पहचाना नहीं लग रहा है, ये फॉर्मेट किस टाइप का है, ये आइगन वैल्यू इक्वेशन जैसा नहीं है, ए एक्स इक्वल टू लैम्डा एक्स, आइगन वैल्यू इक्वेशन में भी तो सेम वापस आता है, सेम वेक्टर, सेम मैट्रिक्स। इसका मतलब ये जो इक्वेशन यहां पे दिया गया है ये बेसिकली एक आइगन वैल्यू इक्वेशन ही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इन कैप इज द आइगन वेक्टर, जो यूनिट वेक्टर है इट इज एन आइगन वेक्टर ऑफ द रोटेशन मैट्रिक्स, और लैम्डा का वैल्यू यहां पे कितना है, आइगन वैल्यू एग्जैक्टली सेम आई वेक्टर वापस आ रहा है, तो आइगन वैल्यू कितना है, 1 × n कैप, आइगन वैल्यू 1 है। तो ये जो n कैप जो कैलकुलेट करना है वो r का आइगन वेक्टर है, लैम्डा इक्वल टू 1। तो आप ये भी कर सकते हैं, आप जो R मैट्रिक्स क्वेश्चन में गिवन है उसका आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, तो आइगन वेक्टर ऑफ R कॉरिस्पोंडिंग टू लैम्डा इक्वल टू +1, जैसे आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया जाता है। तो ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का, ये जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का एक आइगन वैल्यू 1 आएगा, उसके कॉरिस्पोंडिंग अगर आप आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तब भी ये सेम आंसर आ जाएगा,
अब चेक करके देखिएगा, इसमें रिलेशन ऐसा आएगा, जैसे यहाँ पे ए बी के बीच में रिलेशन है ना, वहां पे ऐसा आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, जैसे ए इक्वल टू बी है, यहाँ पे आएगा एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एंड एक्स थ्री इज इक्वल टू माइनस एक्स टू, तो आंसर सेम ही आएगा जो ऑप्शन बी है। इसको हम आइगन वेक्टर की तरह ट्रीट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, जैसे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करते हैं आप लैम्डा इक्वल टू वन के कॉरिस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स का आइगन वेक्टर कैलकुलेट कीजिए, ये रिलेशन आ जाएगा, और ये रिलेशन और ये जो रिलेशन आया ये सेम है, ए इक्वल टू बी था एक्स वन इक्वल टू एक्स टू और सी क्या था माइनस बी एक्स थ्री इक्वल टू माइनस एक्स टू, सेम रिलेशन है, तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं या इसको आइगन वेक्टर की तरह ट्रीट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, सेम आंसर आएगा बी। कोई डाउट है इसमें? हेलो सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही सर, आप म्यूट हो गए। तो ये गेट 2020 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस डज नॉट रिप्रेजेंट्स ए प्रॉपर रोटेशन इन ए प्लेन, इनमें से कौन सा मैट्रिक्स जो है ये प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये क्वेश्चन है। इसमें जस्ट क्या तरीका यूज करेंगे, अभी कुछ देर पहले मेंशन किया गया था कौन सा एक्सिस है, क्या प्लेन है, कुछ तो बोला नहीं गया है, जस्ट बोला गया है प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। प्रॉपर रोटेशन के लिए जो मैट्रिक्स आता है रोटेशन मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट कितना होता है? राइट, डिटरमिनेंट इज वन। जो प्रॉपर रोटेशन है उसके लिए रोटेशन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होता है एंड उसका डिटरमिनेंट जो है वो प्लस वन आता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ रोटेशन मैट्रिक्स शुड बी प्लस वन, दिस इज फॉर प्रॉपर रोटेशन। आपको जस्ट चेक करना है कौन सा ऑप्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, डज नॉट पूछा गया है, कौन रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डज नॉट रिप्रेजेंट। अब चेक करके देखिए इस कंडीशन को, तीन ऑप्शन सेटिस्फाई करेंगे ए बी एंड डी, तीनों ऑप्शन में डिटरमिनेंट प्लस वन आएगा, सिर्फ सी ऑप्शन में डिटरमिनेंट प्लस वन नहीं आएगा, तो ये प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। जब प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट करेगा तो डिटरमिनेंट प्लस वन आना चाहिए, इसका डिटरमिनेंट माइनस वन है, यू कैन चेक, माइनस वन नहीं, जो भी प्लस वन नहीं आ रहा है, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा नॉट इक्वल टू वन, तो ये प्रॉपर रोटेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, जस्ट डिटरमिनेंट चेक करना है, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन जस्ट में भी एक पहले पूछा गया था, 2017 में या उसके पहले पूछा गया था, मैं वो भी डिस्कस कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर एवरीवन, प्रॉपर रोटेशन है, डिटरमिनेंट प्लस वन होना चाहिए,
जिसमें प्लस वन नहीं आएगा वो प्रॉपर रोटेशन नहीं है, सी ऑप्शन। ये क्वेश्चन, ये जेस 2013 का क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सेम है, जो गेट का क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, ये रिलेशन गिवन है एक्स डैश और वाई डैश, ये रिलेशन गिवन है, ओल्ड कोऑर्डिनेट और न्यू कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन गिवन है। बोला गया है इनमें से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ट्रांसलेशन, प्रॉपर रोटेशन, रिफ्लेक्शन, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स चाहिए ना। तो इन दो इक्वेशन को अगर आप मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तभी आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता चलेगा। इसको मैट्रिक्स में लिखेंगे तो ऐसा, ओल्ड कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई, तो जो रिलेशन गिवन है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा। तब देख सकते हैं दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और इसका डिटरमिनेंट कितना है, डिटरमिनेंट इज राइट -1। तो बेसिकली आपको इन इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, उससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स पता चल जाएगा। जो गेट का क्वेश्चन था उसमें मैट्रिक्स डायरेक्टली गिवन था, इसमें आपको ये इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख के ये मैट्रिक्स पता चलेगा। इसका डिटरमिनेंट -1 है, तो ये क्या रिप्लेस कर, रिप्रेजेंट कर सकता है, जो ऑप्शंस गिवन है डिटरमिनेंट -1 है राइट, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो डिटरमिनेंट -1 आया तो ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और रिफ्लेक्शन के कॉरिस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स है। अब रिफ्लेक्शन किसके अबाउट है वी डोंट नो, बट जस्ट हम डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करके बता सकते हैं ये रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो पिछला क्वेश्चन था गेट का, और ये कॉन्सेप्ट सेम है। ओके, कोई डाउट इसमें सर? प्रीवियस लाइन तो दिस इज ऑल अबाउट मैट्रिसेस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज न्यूमेरिकल टेक्निक्स। जो सीएसआर नेट का सिलेबस है उसमें दो पार्ट, जैसे पार्ट बी का सिलेबस अलग है, पार्ट सी का सिलेबस अलग है। तो पार्ट सी जो है ऐसा सिलेबस ऐसा मेंटेन मतलब फॉलो नहीं होता, एग्जामिनेशन में किसी भी पार्ट से मतलब क्वेश्चन आ सकता है किसी भी पार्ट में। पार्ट सी का जो सिलेबस है, जो नेट का सिलेबस है, उसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स के हैं, ठीक है। उसमें जो मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स है वो न्यूमेरिकल टेक्निक्स के हैं। पहले मतलब स्टार्टिंग के जो एग्जामिनेशन हुए थे नेट के, उसमें तो इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता था, लेकिन रिसेंटली एवरी टाइम इससे मिनिमम एक क्वेश्चन तो पूछा जाता ही है इन एवरी एग्जामिनेशन, रिसेंट ईयर के जो एग्जामिनेशन हुए हैं। एंड इस पार्ट का फायदा यह है, इसे कैलकुलेट मतलब क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। नॉर्मली पार्ट सी में क्वेश्चन पूछा जाता है 5 मार्क्स में, और क्वेश्चन काफी आसान होते हैं। आसान इसलिए होते हैं, आप लोगों ने ग्रेजुएशन में न्यूमेरिकल टेक्निक्स का कोई कोर्स तो किया ही होगा,
मैथमेटिक्स में, ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल टेक्निक्स मैथमेटिक्स में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, तो उसमें क्या है न्यूमेरिकल टेक्निक्स के जो क्वेश्चंस हैं उसमें कैलकुलेटर का बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, कैलकुलेटर का जो है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, लेकिन नेट एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अलाउड है नहीं, ठीक है, तो इसीलिए नेट एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें कैलकुलेशन, मतलब ऐसा ही क्वेश्चन होगा जिसमें कैलकुलेशन आसान हो, जो आप मैनुअली कर पाए विदाउट द यूज ऑफ एनी कैलकुलेटर। सर इस बार कैलकुलेटर अलाउ, इस बार आया था हमारे कैलकुलेटर, हमने एग्जाम दिया था जब, तब ठीक है, ऑनलाइन कैलकुलेटर अलाउड है तो और अच्छी बात है। जनरल अभी तक देखा गया है, ऑफलाइन में तो नहीं था, ऑनलाइन में था इस बार, लास्ट टाइम नहीं था ऑनलाइन, जब लास्ट टाइम हुआ इस बार ही ऑनलाइन में दिया था। ओके ओके ठीक है, तो नॉर्मली इस पार्ट से जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आसान क्वेश्चन होता है, मतलब आसानी सॉल्व हो जाता है, 5 मार्क्स मिल जाते हैं और ज्यादा क्वेश्चन ट्विस्ट करते नहीं इस पार्ट से। तो लेट्स डिस्कस इट, जो वेरियस टॉपिक्स है, तो पहले सम इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूमेरिकल मेथड, न्यूमेरिकल मेथड क्या है, क्यों यूज करते हैं, जरूरत क्या है इस मेथड का। तो जो स्टैंडर्ड मैथमेटिकल मेथड्स हैं, डिफरेंट मैथमेटिकल मेथड्स हम क्यों यूज करते हैं, टू सॉल्व इक्वेशंस, इवैल्यूएट इंटीग्रल्स और सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। जो मैथमेटिकल मेथड्स जो भी हम पढ़ते हैं, कोई इक्वेशन सॉल्व करना है, कोई इंटीग्रल सॉल्व करना है, कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, तब हम मैथमेटिकल मेथड यूज करते हैं। तो मैथमेटिकल मेथड को नॉर्मली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पहला कैटेगरी है एनालिटिकल मेथड्स और सेकेंड कैटेगरी है न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। यहाँ पे हम न्यूमेरिकल मेथड डिस्कस करेंगे, एंड ऑलरेडी हमने बहुत जगह पे एनालिटिकल मेथड डिस्कस कर लिया है। तो जो एनालिटिकल मेथड है उसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे लिखे गए हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन के रूट हम क्या लिखते हैं या सोल्यूशन क्या लिखते हैं, दिस, इसको बोला जाता है एनालिटिकल सोल्यूशन। मतलब ये जो सोल्यूशन कैलकुलेट किया गया है, दिस इज यूजिंग, इसको एनालिटिक मेथड बोला जाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने ये फॉर्मूला यूज किया और आपको रूट्स मिल गए, तो ये एनालिटिक मेथड है, ये हमने बहुत जगह पे यूज किया है। ये जो सेकंड एग्जांपल है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 2, तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट रिप्लेस करेंगे तो 7/3। तो जो इंटीग्रेशन आप नॉर्मली स्कूल लेवल में पढ़ा होगा कैलकुलस में, ये भी क्या है, ये एनालिटिक मेथड ही है, ऑल दिस एनालिटिक मेथड। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक, तो सेपरेशन ऑफ वेरिएबल टेक्निक जब सॉल्व किया गया तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिक एनालिटिकल मेथड, और अभी तक हम ये एनालिटिकल मेथड ही यूज करते हुए आए हैं, ठीक है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिकल मेथड। अभी हम क्या डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड। अब न्यूमेरिकल मेथड बेसिकली क्या है और न्यूमेरिकल मेथड में एडवांटेज क्या है, ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। न्यूमेरिकल मेथड जो है उसमें डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखा जाता, जैसे कि जो लिखा गया है इन न्यूमेरिकल मेथड, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द आंसर, जैसे एनालिटिकल मेथड में क्या होता है, डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं, कुछ इंटीग्रेशन किया डायरेक्ट आंसर लिख दिया, इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग द आंसर इन टर्म्स ऑफ सम फॉर्मूलेस। एनालिटिकल मेथड में हम कुछ फॉर्मूले यूज करते हैं और डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बट न्यूमेरिकल मेथड में ऐसे फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट आंसर नहीं लिखा जाता। क्या किया जाता है, वी हैव टू परफॉर्म स्टेप वाइज कैलकुलेशंस यूजिंग सम एल्गोरिदम और न्यूमेरिकल प्रोसीड्योर। न्यूमेरिकल मेथड में बेसिकली हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप वाइज कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग सम एल्गोरिदम और यूजिंग सम न्यूमेरिकल प्रोसीड्योर, ठीक है। एंड यूजुअली ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जो है ऑब्वियसली हमें पता होना चाहिए, इसलिए ग्रेजुएशन में सिलेबस में मैनुअली सॉल्व करते हैं हम, बट जो एल्गोरिदम से एक स्टेप वाइज कैलकुलेशन है ये यूजुअली कंप्यूटर पे ही किया जाता है, ठीक है। मतलब इसका जो एप्लीकेशन पार्ट है, फिजिक्स में जब भी कोई एप्लीकेशन करते हैं तो मैनुअल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, बिकॉज फिजिक्स में क्या होता है, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करने के टाइम पे लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं, 1000 steps, 2000 steps, 3000 steps, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप। जो यहाँ पे बोला गया स्टेप वाइज कैलकुलेशन करना है तो एक दो स्टेप नहीं करना है, एक दो स्टेप है तब भी हम मैनुअली कर सकते हैं, 5-6 स्टेप हो मैनुअली कर सकते हैं, 1000 स्टेप, 2000 स्टेप,
या उससे भी ज्यादा, इतने स्टेप्स मैनुअली कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। तो नॉर्मली जो ये स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया जाता है वो कंप्यूटर में यूजिंग सम सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर आप यूज करते हैं ना किसी भी सॉफ्टवेयर में, जब आप ऑनलाइन कोई भी कैलकुलेशन करते हैं, जैसे आपने ऑनलाइन डाल दिया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या कोई पॉलिनोमियल इक्वेशन है, उसका सॉल्यूशन बताना है, रूट बताने हैं, तो ऐसे ऑनलाइन कैलकुलेटर तो अलाउड अवेलेबल है ही सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर सारे, जितने भी ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है उसमें ये न्यूमेरिकल मेथड का जो एल्गोरिदम है वही उसमें फीड किया रहता है, ठीक है। तो ये जो स्टेप वाइज कैलकुलेशन किया जाता है कंप्यूटर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं उनमें जो एल्गोरिदम रहता है वो बेसिकली न्यूमेरिकल मेथड ही है, बिकॉज इन एवरी केस एनालिटिक मेथड, एनालिटिकल मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं होता। न्यूमेरिकल मेथड जो है ये वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए वर्क करता है, ये इसका एडवांटेज है, इट वर्क्स ऑन ए मच मच वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एज कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड। जो एनालिटिकल मेथड है वो कुछ लिमिटेड प्रॉब्लम्स के लिए ही पॉसिबल है, बट न्यूमेरिकल मेथड जो है वो वाइडर रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए एप्लीकेबल है। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जहां पे एनालिटिकल मेथड अप्लाई करना पॉसिबल ही नहीं है, उसके लिए कर ही नहीं सकते एनालिटिकल मेथड यूज, बट न्यूमेरिकल मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड का जो यू कैन से रेंज है, मतलब किस टाइप के प्रॉब्लम के साथ डील करता है, वो रेंज काफी बड़ा है कंपेयर टू एनालिटिकल मेथड। जैसे यहाँ पे देखिए कुछ एग्जांपल लिखे गए हैं जहां पे एनालिटिकल मेथड यूज करना पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वन, देयर आर नो एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल फॉर पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 एंड मोर। जैसे हमने पिछले स्लाइड में देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, लेकिन अगर एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है और पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 4 या 4 से ज्यादा है, इस केस में एनालिटिकल सॉल्यूशन जो है वो अवेलेबल नहीं है, बिकॉज़ 4 या 4 से ज्यादा मतलब कुछ भी हो सकता है ना, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 100, पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 200, कुछ भी हो सकता है, उनके लिए एनालिटिकल सॉल्यूशन अवेलेबल ही नहीं है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल मेथड यूज करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल मेथड कैन बी यूज्ड टू सॉल्व फॉर पॉलिनोमियल इक्वेशंस ऑफ एनी डिग्री। जो न्यूमेरिकल इक्वेशन है वो हम किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए यूज कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल मेथड इज मच मोर यूजफुल। ऑब्वियसली मैनुअल करना पॉसिबल नहीं है, उनको कुछ एल्गोरिदम को किसी सॉफ्टवेयर के फॉर्म में लिखना मतलब अवेलेबल है, जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर के फॉर्म्स में अवेलेबल है, मैनुअल कैलकुलेशन काफी मुश्किल है, 1000 स्टेप मैनुअली कैलकुलेट करना काफी मुश्किल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा गया है, एनालिटिकल मेथड्स यूजुअली फेल फॉर नॉन लीनियर इक्वेशंस। अगर आप नॉन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो एनालिटिकल मेथड जो है उससे रिजल्ट नहीं भी आ सकता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में रिजल्ट नहीं आता, वेयर एज जो न्यूमेरिकल मेथड है इट यूज फॉर बोथ लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर इक्वेशन। जो न्यूमेरिकल मेथड है वो लीनियर इक्वेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल लीनियर इक्वेशन एज वेल एज न्यूमेरिकल इक्वेशन नॉन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने में हेल्प करता है, दोनों में एप्लीकेबल है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल मेथड जो है उसका रेंज ज्यादा बड़ा है, एनालिटिकल मेथड हम कुछ पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, वेयर एज न्यूमेरिकल मेथड्स ज्यादा प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं, मतलब ये ज्यादा यू कैन से जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स हैं जिनका एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है उनमें भी न्यूमेरिकल मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, ओके। जो सॉफ्टवेयर है जो मोस्ट कॉमन बहुत लोग यूज करते हैं मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है, तो मैटलैब जो सॉफ्टवेयर है उसमें भी तो कुछ एल्गोरिदम यूज होता है, और एल्गोरिदम में भी ये बेसिकली जो हम न्यूमेरिकल मेथड पढ़ेंगे वो एल्गोरिदम उसमें फिट किए जाते हैं, ऐसा नहीं हर केस में एनालिटिकल सॉल्यूशन आता है। मैटलैब सॉफ्टवेयर है उसमें भी जब कोई आप सॉल्यूशन लिखते हैं, ये इक्वेशन है इसके रूट्स बताइए, ठीक है, इसके रूट्स बताइए, एक इंटीग्रेशन है उसका कैलकुलेशन करना है, तो ऐसा नहीं जो हर जगह पे एनालिटिकल सॉल्यूशन पॉसिबल है। मैटलैब में भी क्या होता है, ये जो एल्गोरिदम्स हैं न्यूमेरिकल मेथड जो है ये फीड किए रहते हैं उसके अंदर, जस्ट आप एंट्री करते हैं कुछ और आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है, अंदर जो एल्गोरिदम है वो फिट किया रहता है। तो एनालिटिकल मेथड और न्यूमेरिकल मेथड में बेसिकली डिफरेंस है, एनालिटिकल मेथड में कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज हैं, एनालिटिकल मेथड में हम क्या करते हैं कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूलेज होते हैं
उन फॉर्मूलेस को यूज करके डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, बट न्यूमेरिकल मेथड में हमें स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ता है यूजिंग सम एल्गोरिदम। आफ्टर परफॉर्मिंग सम स्टेप्स आपको एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एनालिटिकल मेथड में जो आंसर मिलता है वो कौन से, वो एग्जैक्ट आंसर है। एनालिटिकल मेथड में जो आंसर मिलता है वो एग्जैक्ट आंसर है, लेकिन जो न्यूमेरिकल मेथड में आंसर मिलता है वो अप्रोक्सीमेट आंसर है। अप्रोक्सीमेट आंसर मतलब उसमें एक एरर भी प्रेजेंट होगा। जितने ज्यादा स्टेप्स आप कैलकुलेट करेंगे एरर उतना ही कम होगा, उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो न्यूमेरिकल मेथड में अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, मतलब आंसर में एरर प्रेजेंट होता है। जितने ज्यादा स्टेप्स आप कैलकुलेट करेंगे एरर का अमाउंट उतना ही कम होगा, एक्यूरेसी उतना ही इंक्रीज करेगा। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है जो एनालिटिक सॉल्यूशन में तो एग्जैक्ट आंसर मिलता है, न्यूमेरिकल में तो अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कैलकुलेट करने का फायदा क्या है? फायदा यह है, जैसे यहां पे लिखा गया है, देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जिनके लिए एनालिटिकल सॉल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स जिनके लिए एनालिटिकल सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट आंसर पता करना पॉसिबल ही नहीं है, तो उन प्रॉब्लम्स में न्यूमेरिकल मेथड जो है वो यूजफुल है। न्यूमेरिकल मेथड से एग्जैक्ट आंसर ना पता चले लेकिन एक अप्रोक्सीमेट आंसर तो पता चलता है ना। ऐसा एक प्रॉब्लम है, जैसे यहाँ पे दो एग्जाम्पल लिखे गए हैं जिसमें एनालिटिकल सॉल्यूशन मतलब एग्जैक्ट आंसर पता करना पॉसिबल ही नहीं है, तो एग्जैक्ट आंसर पता करना पॉसिबल ही नहीं है, बेटर है हम एक अप्रोक्सीमेट आंसर से काम चला ले। और जैसे बताया गया, जितने ज्यादा स्टेप्स आप कैलकुलेट करेंगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। और कंप्यूटर पे अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसमें तो लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स यूज किए जाते हैं, और लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स का मतलब रिजल्ट जो है वो काफी ज्यादा एक्यूरेट होता है, ठीक है। और एक्यूरेसी जो है ना, मतलब ज्यादा एक्यूरेट कम एक्यूरेट का मतलब ये है, ज्यादा एक्यूरेट का मतलब है वो ज्यादा डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट रिजल्ट देगा, और कम एक्यूरेट का मतलब है वो कम डेसिमल प्लेस तक, जैसे बोला एक रिजल्ट 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है और एक रिजल्ट 6 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है। तो जो रिजल्ट 6 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है वो ज्यादा एक्यूरेट है, और जो 2 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट है वो रिलेटिवली कम एक्यूरेट है, ठीक है। तो ज्यादा एक्यूरेट कम एक्यूरेट का मतलब है कितने डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट एक्यूरेट आ रहा है। जितने ज्यादा डेसिमल प्लेस तक रिजल्ट एक्यूरेट आएगा वो मेथड उतना ही ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो जितने ज्यादा स्टेप्स हम कैलकुलेट करेंगे उतना ही एक्यूरेट रिजल्ट आता रहेगा। तो न्यूमेरिकल मेथड जो है वो एनालिटिकल मेथड से उसका रेंज जो है ब्रॉड है, ज्यादा ब्रॉड है, ठीक है। क्लियर है? दोनों में डिफरेंस क्या है बेसिक? एक में डायरेक्ट आंसर होता है, एक में अप्रोक्सीमेट आंसर। लेकिन डायरेक्ट आंसर ऑलवेज पता करना पॉसिबल नहीं होता, अप्रोक्सीमेट आंसर से ही काम चलाना पड़ता है, इसीलिए न्यूमेरिकल मेथड यूजफुल है, ठीक है। और फ्रेंकली स्पीकिंग, फिजिक्स में जब आप कोई भी रिसर्च करते हैं, थ्योरेटिकल कोई रिसर्च करेंगे, तो थ्योरेटिकल रिसर्च में आप नॉर्मली एल्गोरिदम ही यूज करते हैं। आप एक थ्योरी, अपने कुछ थ्योरी पढ़ा उसके रिगार्डिंग कोई रिजल्ट लाना है तो आप एक एल्गोरिदम फ्रेम करते हैं और एक सॉफ्टवेयर में रन करते हैं, तो उसमें भी अल्टीमेटली आप न्यूमेरिकल मेथड यूज कर रहे हैं। बिकॉज किसी भी थ्योरेटिकल कैलकुलेशन में नॉर्मली डायरेक्ट रिजल्ट ऑलवेज पता करना पॉसिबल नहीं होता। जब ऑलवेज डायरेक्ट रिजल्ट या एग्जैक्ट आंसर पता कर लेंगे, वहां पे भी एक एल्गोरिदम आप फॉर्म करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर में रन करते हैं आप उस एल्गोरिदम को लिख के, तो वहां पे भी क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ स्टेप्स कैलकुलेशन होते हैं और एक अप्रोक्सीमेट आंसर मिलता है। तो थ्योरेटिकल फिजिक्स में जो कैलकुलेशन है उसका बहुत मतलब एक लार्ज अमाउंट जो है वो न्यूमेरिकल मेथड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो न्यूमेरिकल मेथड में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो नेट के सिलेबस में है, वो ये 4 टॉपिक्स हैं बेसिकली जो सिलेबस में मेंशन किया गया है। ये 4 टॉपिक्स हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। पहला है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन के सॉल्यूशंस या पॉलिनोमियल के रूट्स कैसे कैलकुलेट कर, उसके डिफरेंट मेथड्स। इंटरपोलेशन टेक्निक, इसके डिफरेंट मेथड्स। एवलुएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, इसके भी डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे। एंड सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके भी डिफरेंट मेथड डिस्कस करेंगे। तो नेट के सिलेबस में नॉर्मली ये 4 टॉपिक्स ही हैं न्यूमेरिकल मेथड्स में। अब इन 4 टॉपिक्स के कॉरिस्पॉन्डिंग अलग अलग मेथड्स हैं, किसी का एक्यूरेसी ज्यादा है, किसी का एक्यूरेसी कम है, ठीक है।
तो पहले हम डिस्कस करेंगे सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करना या पॉलिनोमियल्स का रूट कैलकुलेट करना, दोनों इक्विवेलेंट ही है। तो फर्स्ट टॉपिक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, ठीक है। तो जितने भी इक्वेशन के साथ हम डील करते हैं, ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लास्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। जितने भी इक्वेशंस हैं उनको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी है पॉलिनोमियल इक्वेशन, दूसरा कैटेगरी है ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। जितने भी इक्वेशंस हैं इनको हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब क्या है? पॉलिनोमियल इक्वेशन का मतलब है इट कंटेन्स एल्जेब्रिक टर्म्स ओनली। इक्वेशन के अंदर अगर सिर्फ एल्जेब्रिक टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल इक्वेशन। And these are some examples of polynomial equation. तो जिस equation के अंदर सिर्फ algebraic terms present होंगे वो polynomial equation है। तब देख सकते हैं इनके अंदर सिर्फ algebraic terms present है, तो ये polynomial equation के examples हैं। Whereas अगर हम transcendental equation की बात करें, it contains algebraic as well as non-algebraic terms. इक्वेशन के अंदर अगर एल्जेब्राइक एंड नॉन एल्जेब्राइक दोनों टाइप के टर्म्स प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। कुछ एग्जांपल देखिए, x tan x equal to x, इसमें x क्या है? एल्जेब्राइक, tan x क्या है? नॉन एल्जेब्राइक। दूसरा एग्जांपल दिस वन, इसमें x स्क्वायर क्या है? एल्जेब्राइक, e टू द पावर माइनस x एंड sin x क्या है? नॉन एल्जेब्राइक। Algebraic as well as non-algebraic terms present है। So these are some examples of transcendental equation. तो जितने भी equation के साथ हम deal करते हैं, इनको हम इन दो categories में divide कर सकते हैं। Polynomial, polynomial equation का मतलब सिर्फ algebraic terms होंगे। दूसरा है transcendental equation, इसके अंदर algebraic as well as non-algebraic equations भी term भी present होंगे। ठीक है? I think clear है ये? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो नेक्स्ट है, यहां पे बेसिकली हम जो इक्वेशंस है उनका सॉल्यूशन कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। सॉल्यूशन मतलब बेसिकली हम इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है न्यूमेरिकल टेक्निक्स अप्लाई करने के पहले, जो इक्वेशन है उसके रूट्स किस इंटरवल में लाई करते हैं। बिकॉज न्यूमेरिकल मेथड से जब हम इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो पहले यही चेक करना जरूरी है कि रूट्स किस इंटरवल में है, और हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे वो उस इंटरवल में ही कैलकुलेट करेंगे। तो सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये पॉलिनोमियल इक्वेशन भी हो सकता है, ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन भी हो सकता है। मतलब जो एफ एक्स है वो एल्जेब्रिक टर्म भी हो सकता है, नॉन एल्जेब्रिक टर्म भी हो सकता है, दोनों के लिए सेम मेथड है। तो रूट्स का लोकेशन कैसे फाइंड करेंगे? तो क्या बोला गया देखिए, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस इन द इंटरवल ए टू बी, जो एफ एक्स है वो ए टू बी इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, सच दैट एफ ए एंड एफ बी आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। तो क्या किया गया है, यहां पे एक इंटरवल है ए टू बी, इस इंटरवल में फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस है तब ये प्रॉब्लम, ये पॉसिबल नहीं है जो भी बताया जा रहा है। फंक्शन इस इंटरवल में कॉन्टिन्यूअस है, एंड ये जो ए और बी है, ठीक है, जो बाउंड्रीज है ए एंड बी, ए और बी पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो ऑपोजिट साइन का है, एफ ए एंड एफ बी। मतलब एक प्लस है तो दूसरा माइनस है, अगर पहला माइनस है दूसरा प्लस है, ऑपोजिट साइन का है। अगर ऑपोजिट साइन का है सच दैट एफ ए इंटू एफ बी इज लेस देन जीरो, अगर दोनों ऑपोजिट साइन के हैं तो प्रोडक्ट क्या होगा? लेस देन जीरो। देन वी कैन से दैट दिस इक्वेशन विल हैव ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द इंटरवल ए टू बी। यहां पे हम रियल रूट पता कर रहे हैं, तो एक इंटरवल चूज किया गया ए टू बी,
एक्स इक्वल टू ए पे जो फंक्शन का वैल्यू है और एक्स इक्वल टू बी पे जो वैल्यू है वो ऑपोजिट साइन का है, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा नेगेटिव. देन वी कैन से दैट ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन के ऑड नंबर ऑफ रियल रूट उस इंटरवल के अंदर होंगे. ऑड नंबर मतलब एक रूट भी हो सकता है, तीन रूट्स भी हो सकते हैं, इनमें से कोई एक होगा, वन और थ्री और फाइव ऑड नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे. ठीक है, जैसे यहां पे देखिए नीचे दो ग्राफ्स ड्रॉ किए गए हैं. जो पहला ग्राफ है एफ एक्स वर्सेस एक्स का, इसमें सपोज आपने दो पॉइंट चूज किए, जो ए बी है ना, ए बी तो कुछ भी हो सकता है. सपोज दिस इज एक्स इक्वल टू ए एंड दिस इज एक्स इक्वल टू बी. ये फर्स्ट ग्राफ है. इसमें बताइए एफ ए क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? एक्स इक्वल टू ए पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, ग्राफ से पता चल रहा है ना, और एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव. तो ए पे नेगेटिव वैल्यू है, बी पे पॉजिटिव वैल्यू है, तो बताइए ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, ऑपोजिट साइन का होना चाहिए. तो एफ ए नेगेटिव है, देखिए एक्स इक्वल टू ए पे क्या वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है ना, यहाँ पे दिख रहा है देखिए नेगेटिव वैल्यू, और एक्स इक्वल टू बी पे क्या है, पॉजिटिव वैल्यू. एक्स इक्वल टू बी पे पॉजिटिव वैल्यू, ऑपोजिट साइन है. तो क्या बोला गया था, अगर ऑपोजिट साइन होता है तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे. इस केस में कितने रियल रूट्स हैं, देखिए जो ए टू बी इंटरवल है उसके बीच में एक रूट तो एग्जिस्ट करेगा ना, इसी को तो रूट बोलेंगे, जहां पे फंक्शन जीरो बन रहा है. तो कितने रूट्स हैं, वन रियल रूट, ऑड नंबर होगा, वन थ्री फाइव सेवन कुछ भी हो सकता है, इस केस में वन है. ठीक है, वैसे देखिए सेकेंड ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया गया है, ये अलग फंक्शन का है. इसमें अगर आप एक इंटरवल चूज करते हैं, सपोज आपने ये इंटरवल चूज किया, ऐसा बिल्कुल नहीं है जो मैं जो बोल रहा हूं वही इंटरवल चूज करना है. मैं इंटरवल ऐसे चूज कर रहा हूं सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई कर जाए, दोनों ऑपोजिट साइन के हो. ठीक है, तो सपोज ए इज दिस एंड बी इज दिस. अब चेक कीजिए एफ ए क्या आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव? एफ ए नेगेटिव है, और एक्स इक्वल टू बी पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, पॉजिटिव. डायग्राम से क्लियर है ना ये जो ग्राफ है, तो अगेन ऑपोजिट साइन है, ऑपोजिट साइन है तो कितने रूट्स आने चाहिए, ऑड नंबर. यहां पे देखिए कितने रूट्स हैं, वन टू थ्री, तीन रूट्स हैं. तो इस केस में कितने रूट्स हैं, थ्री रियल रूट्स, ऑड नंबर ऑफ रियल रूट आएगा ऑलवेज. अगर एफ ए और एफ बी ऑपोजिट साइन के होते हैं तो ऑलवेज ऑड नंबर ऑफ रियल रूट ही आता है उस इंटरवल के अंदर, इसमें तीन रूट्स हैं. जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा गया है और ये दो एग्जांपल बताए गए, किसी को कोई डाउट है, एनीवन? मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. इंपॉर्टेंट पार्ट, ऑपोजिट साइन है तो ऑड नंबर ऑफ रियल रूट होगा, वन थ्री फाइव सेवन कुछ भी हो सकता है. मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं. नेक्स्ट है, अगर सेम साइन का हुआ तब क्या होगा. हमारे पास इक्वेशन है एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एलजेब्रिक नॉलेज एलजेब्रिक कुछ भी हो सकता है. क्या बोला गया है, If fx is continuous in the interval a to b such that fa and fb
आर ऑफ सेम साइंस, जो एफ ए और एफ बी है वो सेम साइन का है. सेम साइन मतलब दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं. तो इनका प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. दोनों पॉजिटिव हो तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, दोनों नेगेटिव हो तब भी प्रोडक्ट क्या होगा? पॉजिटिव. नेगेटिव इनटू नेगेटिव पॉजिटिव ही होता है. देन द इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू जीरो हैज आइदर जीरो रूट और इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स इन द इंटरवल ए टू बी. अगर एफ ए और एफ बी सेम साइन का होता है तो इक्वेशन के आइदर जीरो रूट होंगे, कोई भी रूट नहीं होगा, कोई भी रूट नहीं होगा, या इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे. ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए यहां पे नीचे जो लिखा गया है. यहां पर अगर आपने ए टू बी, ए और बी आप कुछ भी चूज कर सकते हैं एज यू विश, ऊपर वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करना चाहिए. सपोज आपने ए ये चूज किया, ये पूरा अपने दिस इज ए, ए बी सिमेट्रिक लेना है जरूरी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा. ए बी जो इंटरवल है ये जीरो के अबाउट सिमेट्रिक होगा जरूरी नहीं है, ये इंटरवल सिमेट्रिक होगा बिल्कुल जरूरी नहीं है, कुछ भी हो सकता है. हमने ए ये लिया, बी ये लिया. अब देखिए एक्स इक्वल टू ए और एक्स इक्वल टू बी दोनों पॉइंट पे ही फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है. ग्राफ से पता चल रहा है एफ ए भी पॉजिटिव है और एफ बी भी पॉजिटिव है. ठीक है, एक्स इक्वल टू ए पे पॉजिटिव वैल्यू, एक्स इक्वल टू बी पे पॉजिटिव वैल्यू. तो ए बी दोनों पे पॉजिटिव है तो सेम साइन है, तो सेम साइन है तो कितने रूट्स होंगे? आइदर जीरो रूट्स होंगे या इवन नंबर ऑफ रूट्स होंगे. अब बताइए यहाँ पे कितने रूट्स हैं? कोई किसी भी पॉइंट पे फंक्शन जीरो बन रहा है? कहीं पे जीरो नहीं बन रहा है, तो इसके कितने रूट्स हैं? जीरो रूट्स, जीरो रियल रूट्स. एक भी रियल रूट नहीं है, अगर सेम साइन का है आइदर बोलेगा जीरो आएगा या इवन नंबर आएगा. जीरो आ सकता है, टू आ सकता है, फोर आ सकता है, ये नंबर ऑफ रूट्स हैं. ठीक है, और जो दूसरा एग्जांपल है दिस वन, इसके अगर हम बात करें तो यहां पे देखिए अब ए और बी इसको चूज करो, ए दिस एंड बी सपोज दिस. यहां पे अब देखिए जो x इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी है उन दोनों पे फंक्शन का वैल्यू पॉजिटिव है. x इक्वल टू ए पे भी पॉजिटिव है एंड x इक्वल टू बी पे भी पॉजिटिव है. जो सेकंड एग्जांपल है ए बी दोनों पे पॉजिटिव है तो सेम साइन है, तो क्या बोला गया था? जीरो रूट्स होंगे या इवन नंबर. इसमें देखिए दो रूट्स हैं, एक यहां पे जीरो बन रहा है, एक यहां पे जीरो बन रहा है, तो कितना रूट्स हैं? टू रियल रूट्स, इवन नंबर. तो एफ ए और एफ बी जब सेम साइन के होंगे तो आइदर जीरो रूट होगा, मतलब कोई भी रियल रूट नहीं होगा, या इवन नंबर ऑफ रियल रूट्स होंगे. ठीक है, तो ऊपर का जो स्टेटमेंट है और जो दो एग्जांपल्स हैं, आई थिंक क्लियर एवरीवन. ठीक है, मैं आगे प्रोसीड करूंगा.
ठीक है, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। तो ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है कि इक्वेशन गिवन है और पूछा गया है फाइंड द लोकेशन ऑफ द रियल रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इक्वेशन है, इसके रियल रूट्स के लोकेशन पता करने हैं। लोकेशन का मतलब है किस इंटरवल में रूट है, ठीक है। लोकेशन मींस फाइंड द इंटरवल, जिस इंटरवल में रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे, ये पता करना है, ठीक है। तो जो हमने लास्ट दो स्लाइड में टेक्निक पढ़ा वो अगर हम देखें, एक्स एंड एफ एक्स, इक्वेशन हमारे पास क्या है बेसिकली इस फॉर्मेट का, एफ एक्स इक्वल टू जीरो। तो जिस पॉइंट पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो बनेगा, जिस पॉइंट पे एफ एक्स इक्वल टू जीरो बनेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। जहां पे ये फंक्शन का वैल्यू जीरो बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, रूट ऑफ द इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, एक्स के डिफरेंट वैल्यूज के लिए फंक्शन के वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। और नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो इंटीजर वैल्यूज हैं उन पे ही चेक करते हैं, जीरो वन टू थ्री, प्लीज चेक इट। आपको लग सकता है ये कहां पे चेक करेंगे आइडिया, इंटीजर तो कुछ भी हो सकता है ना, 100 200 कुछ भी हो सकता है। नॉर्मली हम जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर। और सिंस एमसीक्यू क्वेश्चन है, एमसीक्यू क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है ना, ऑप्शन देख के आप आइडिया लगा सकते हैं ये कहां कहां पे चेक करना है, ठीक है। तो ये ऑप्शन देख के आप आइडिया लगा पाएंगे जो एक्स के किन वैल्यूज के लिए आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरो वन टू थ्री फोर इनके लिए वैल्यू कैलकुलेट कीजिए। एक्स इक्वल टू जीरो के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, प्लस फाइव, पॉजिटिव। जस्ट आपको चेक करना है पॉजिटिव नेगेटिव कहां पे आ रहा है, एक्स इक्वल टू जीरो पे प्लस फाइव पॉजिटिव। एक्स इक्वल टू वन पे चेक कीजिए, टू नेगेटिव। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे पॉजिटिव और एक्स इक्वल टू माइनस टू पे नेगेटिव। इसका मतलब बीच में कहीं ना कहीं पे जीरो बनेगा, वो रूट का मतलब क्या होता है, फंक्शन जहां पे जीरो बनेगा उसी को रूट बोलेंगे। तो एक्स इक्वल टू जीरो पे फंक्शन पॉजिटिव है, एक्स इक्वल टू वन पे फंक्शन नेगेटिव है, तो बीच में कहीं ना कहीं पे तो जीरो बनेगा, बस पॉजिटिव से नेगेटिव है तो बीच में तो जीरो के थ्रू पास करेगा ही। तो इसका मतलब है एक रूट जीरो और वन के बीच में होगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं पे फंक्शन तो जीरो बनेगा, ठीक है। बीच में कहीं ना कहीं पे फंक्शन तो जीरो बनेगा, मतलब इसको यहां पे लिखिए, बीच में फंक्शन कहीं ना कहीं पे जीरो तो बनेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव बन रहा है तो बीच में जीरो बनेगा। इसका मतलब एक रूट जो है वो जीरो और वन के बीच में तो लाई करेगा ही। ठीक है, नेक्स्ट अगर एक्स इक्वल टू टू पे वैल्यू कैलकुलेट करें, टू पे कितना आ रहा है देखिए, एट माइनस सिक्सटीन प्लस फाइव माइनस थ्री, तो टू पे वैल्यू आएगा माइनस थ्री। एक्स इक्वल टू थ्री रिप्लेस कीजिए फंक्शन में, थ्री क्यूब 27 माइनस 24, थ्री प्लस फाइव एट प्लस एट। यहां पे भी फिर से नोटिस कीजिए क्या आ रहा है, एक्स इक्वल टू टू पे नेगेटिव और एक्स इक्वल टू थ्री पे पॉजिटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं पे तो जीरो बनेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव बन रहा है तो बीच में कहीं ना कहीं पे ये फंक्शन जीरो बनना चाहिए। इसका मतलब है टू और थ्री के बीच में और एक रूट एग्जिस्ट करेगा, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव। बेसिकली आपको ये चेक करना है इन द एंटायर न्यूमेरिकल मेथड पार्ट, एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं पे जीरो बनेगा और जहां पे फंक्शन जीरो बनेगा वही क्या होगा, पोजिशन ऑफ द रूट।
तो एक रूट जीरो और वन के बीच में, दूसरा रूट टू और थ्री के बीच में, और कोई बता सकता है? तो इसका तीन रूट्स होंगे, और कोई इंटरवल है जिसमें रूट आ सकता है? नेगेटिव रूट भी हो सकता है, सारे रूट पॉजिटिव होंगे जरूरी थोड़ी ना है। तो एक तो जीरो और वन के बीच में होगा, यहां पे थर्ड ब्रैकेट लिखने का कोई मतलब नहीं है, कोई जीरो और वन पे तो नहीं है रूट, ओपन इंटरवल। दूसरा है टू और थ्री के बीच में, और कोई रूट पता चल रहा है सेम टेक्निक यूज करके? एनीवन? हिंट, नेगेटिव रूट आएगा, नेगेटिव रूट। माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री रिप्लेस करते रहिए। कैलकुलेशन तो आसान है, क्यूब तो आप कितना कैलकुलेट कर ही सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब हम इंटरवल की बात करते हैं ना, तो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करते हैं। बस किसी ने कमेंट किया है जीरो एंड माइनस थ्री, जीरो माइनस थ्री कंसेक्यूटिव इंटीजर नहीं है। जब हम इंटरवल की बात करते हैं तो कंसेक्यूटिव इंटीजर जीरो वन, वन टू, टू थ्री, ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात करेंगे। राइट, तीन चार लोगों ने सही आंसर बताया है, माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में होगा। अब चेक करके देखिए, माइनस थ्री वैसे चेक करें, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पे वैल्यू आएगा प्लस टू फंक्शन का, एंड एक्स इक्वल टू माइनस फोर पे वैल्यू आएगा माइनस 27। अगेन पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव फंक्शन का वैल्यू आइडेंटिफाई करना, यही इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल मेथड में। एक तरफ पॉजिटिव, एक तरफ नेगेटिव, तो बीच में कहीं ना कहीं पे जीरो तो होगा। इसका मतलब है इसके बीच में रूट तो एग्जिस्ट करेगा। तो थर्ड रूट जो है वो कहां पे है? माइनस फोर और माइनस थ्री के बीच में। तो इस तरीके से हम रूट्स किस इंटरवल में है वो पता लगा सकते हैं। अब एग्जैक्टली रूट का पोजीशन क्या होगा उसके लिए तो हम अलग अलग टेक्निक डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल मेथड के सिलेबस में तो वही है। ये रूट का पोजीशन, एग्जैक्ट पोजीशन हम कैसे पता करते हैं न्यूमेरिकल टेक्निक से, तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। आई थिंक क्लियर है मेथड एवरीवन। सिंस हम यहाँ पे इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, और जैसे बताया गया इक्वेशन दो टाइप के हो सकते हैं, पॉलिनोमियल इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन। बट अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें, कंपिटेटिव एग्जामिनेशन की बात करें, तो उसमें नॉर्मली ना ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का कॉरिस्पॉन्डिंग नहीं पूछा जाता क्वेश्चन, बिकॉज ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन का मतलब है उसमें साइन, कोसाइन, टेन, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक फंक्शन आ जाएगा। तो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के कॉरिस्पॉन्डिंग जो कैलकुलेशंस है ना वो अननेसेसरी मतलब लेंथी हो जाते हैं। तो नॉर्मली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस बेसिस पे बता रहे हैं, जो ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेशन जो है वो एग्जाम में नॉर्मली पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, सेम मेथड एप्लीकेबल है, जैसे हम पॉलिनोमियल इक्वेशन के रूट्स कैलकुलेट करेंगे सिमिलरली हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के भी रूट्स कैलकुलेट करेंगे। बट ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के जो रूट्स कैलकुलेशन है वो काफी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है, इसीलिए कंपिटिटिव एग्जामिनेशन में ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के रूट्स ऐसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पॉलिनोमियल इक्वेशन ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्पेसिफिकली पॉलिनोमियल इक्वेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। बट ध्यान रखिएगा जो मेथड पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए ट्रू है सेम मेथड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के लिए भी एप्लीकेबल है। ओके, जस्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, एग्जाम में जनरली पूछा नहीं जाता है, इसलिए हम ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन के रिगार्डिंग कोई भी एग्जाम्पल डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये जो हम रूट्स की बात कर रहे हैं,
इनके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन, ये सारा किसका कोरिस्पोंडिंग है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रियल नंबर्स देन द कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द इक्वेशंस ऑकर इन पेयर्स. आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल नोज अबाउट दिस, नो दिस प्रॉपर्टी. पॉलिनोमियल इक्वेशन जो है उसका जो कोएफिशिएंट है वो अगर रियल नंबर है, जितने भी कोएफिशिएंट है सारे अगर रियल नंबर है, तो कोएफिशिएंट अगर रियल नंबर है, रूट्स रियल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है. कोएफिशिएंट रियल है बट रूट रियल भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स भी आ सकता है. रियल रूट आया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स रूट आया तो वो पेयर में आएगा. पेयर मतलब अगर लैम्डा कॉम्प्लेक्स रूट है तो लैम्डा स्टार भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा. ऐसा एक प्रॉपर्टी हमने आइगेन वैल्यू में भी पढ़ा था रियल मैट्रिसेस के लिए, वो इसी से रिलेटेड है. लैम्डा अगर एक कॉम्प्लेक्स रूट है इक्वेशन का, तो लैम्डा स्टार भी कॉम्प्लेक्स रूट होगा ही. तो कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑकर इन पेयर. अगर लैम्डा रूट है तो लैम्डा स्टार भी एक रूट होगा. इसके लिए अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट रियल नंबर होते हैं. ये सेम कॉन्सेप्ट आइगन वैल्यू पर ने बताया गया था रियल मैट्रिक्स. रियल मैट्रिक्स में भी एक आइगन वैल्यू अगर कॉम्प्लेक्स है तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आइगन वैल्यू होता है. वो प्रॉपर्टी भी इसी से कनेक्टेड है. ठीक है, तो देखिए एग्जांपल यहां पे लिखा गया है. इक्वेशन है x³ - 1 = 0. इसके सारे कोएफिशिएंट क्या है, रियल. 1 एंड माइनस 1 सारे रियल है. इसके जो रूट्स हैं क्या है, ये 1, ये देखिए ये कॉम्प्लेक्स रूट है. इसको अगर हम लैम्डा बोलते हैं, ये क्या है, लैम्डा स्टार. तो कोएफिशिएंट अगर रियल है तो एक रूट लैम्डा अगर कॉम्प्लेक्स रूट है तो लैम्डा स्टार भी उसी इक्वेशन का रूट होगा ऑलवेज. नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन आर रैशनल नंबर्स. पॉलिनोमियल इक्वेशन के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो अगर रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर का मतलब है जिनको हम p by q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, where q is not equal to zero. तो पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट्स हैं वो रैशनल नंबर्स हैं, मतलब p by q फॉर्म में लिख सकते हैं. देन द थर्ड रूट्स, थर्ड मतलब इरेशनल रूट्स, द इरेशनल रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑकर्स इन पेयर्स. मतलब पॉलिनोमियल इक्वेशन है, कोएफिशिएंट्स क्या है, रैशनल नंबर. कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है लेकिन जो रूट्स हैं, प्लीज म्यूट रखिए खुद को. जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके कोएफिशिएंट रैशनल नंबर है लेकिन जो रूट्स हैं वो रैशनल नंबर भी हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है. तो जो इरेशनल रूट्स होंगे दे ऑकर इन पेयर्स. जो इरेशनल रूट्स हैं, ऑकर इन पेयर्स का मतलब क्या है, देखिए क्या लिखा गया है. इफ ए प्लस रूट बी इज ए रूट देन ए माइनस रूट बी विल ऑल्सो बी ए रूट. ये इरेशनल रूट है, ए प्लस रूट बी ये इरेशनल नंबर है. इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में तो नहीं लिख सकते, इरेशनल नंबर. तो a प्लस रूट बी अगर एक रूट है तो a माइनस रूट बी भी एक दूसरा रूट होगा ही होगा, प्रोवाइडेड पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो कोएफिशिएंट्स है वो रैशनल नंबर्स है. इसका एग्जांपल देखिए यहां पे लिखा गया है, दिस इज द इक्वेशन. इसके सारे कोएफिशिएंट रैशनल नंबर्स हैं. सारे कोएफिशिएंट क्या है, रैशनल नंबर्स. इसके जो रूट्स हैं ये चार हैं जो लिखे गए हैं. इंपॉर्टेंट पार्ट,
ये इरेशनल रूट है। एक रूट अगर ए प्लस रूट बी है तो ए माइनस रूट बी भी रूट में आएगा, ये ऑलवेज ट्रू है जब कोएफिशिएंट रैशनल नंबर होता है। बाकी तो ये तो रैशनल नंबर्स हैं, ये जो माइनस वन बाई थ्री और माइनस थ्री बाई टू है ये तो रैशनल रूट्स हैं। अगर इरेशनल रूट्स आता है तो अगर ए प्लस रूट बी एक रूट है तो ए माइनस रूट बी भी एक दूसरा रूट होगा ही होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट क्लियर है। ये आप डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए चेक कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रॉपर्टीज बताई जा रही है। मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। थर्ड पॉइंट, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स ऑफ ए पॉलिनोमियल इक्वेशन आर पॉजिटिव, पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सारे क्या है पॉजिटिव, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव ए पॉजिटिव रूट, विल नॉट हैव ए पॉजिटिव रूट। और यहां पे हम रियल रूट की बात कर रहे हैं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं पॉजिटिव रियल रूट की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन के कोएफिशिएंट पॉजिटिव अगर है तो उस इक्वेशन के कोई भी पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं, जो भी रूट होगा वो आइदर नेगेटिव रियल रूट होगा या कॉम्प्लेक्स रूट होंगे, पॉजिटिव रियल रूट आएगा ही नहीं कभी अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं। जैसे ये एक एग्जांपल है, ठीक है, मैंने यहाँ पे मतलब ये लिखा तो नहीं है इसके रूट्स क्या है, ऑनलाइन आपको रूट्स कैलकुलेटर बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, तो गूगल में आप सर्च कीजिएगा ऑनलाइन रूट्स कैलकुलेटर या रूट ऑफ इक्वेशन कैलकुलेटर, उसमें आप ये पुट कीजिएगा ये इक्वेशन, इसके रूट्स आ जाएंगे। आप देखेंगे इस इक्वेशन के कोई भी रूट पॉजिटिव रियल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे देखिए जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं सारे पॉजिटिव हैं, 1 1 2 1 सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, इसका कोई भी रूट पॉजिटिव रियल नहीं आएगा। ठीक है, इंटरनेट पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे ऑनलाइन कैलकुलेट इक्वेशन सॉल्वर, उसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है जो कोएफिशिएंट अगर रैशनल है तो क्या रूट्स रैशनल इरेशनल ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। देखिए ऐसा हो सकता है, जैसे अगर आपका कोएफिशिएंट रैशनल नंबर हो तो रूट्स किसी भी टाइप के हो सकते हैं, ऐसे भी इक्वेशन हो सकते हैं सारे रैशनल रूट्स, या ऐसा भी हो सकता है सारे इरेशनल रूट्स, या ऐसा भी इक्वेशन हो सकता है कुछ रैशनल हो कुछ इरेशनल हो, तीनों पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करता है। अगर इक्वेशन का कोएफिशिएंट रैशनल है तो सारे रूट्स रैशनल नंबर भी हो सकते हैं, सारे रूट्स इरेशनल नंबर भी हो सकते हैं, कुछ रूट्स रैशनल नंबर कुछ रूट्स इरेशनल नंबर ये भी हो सकते, तीनों पॉसिबिलिटीज है। ऐसा जरूरी नहीं है कि इरेशनल आएगा ही, सारे रूट्स रैशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर इरेशनल आया, अगर कोई रूट इरेशनल आता है तो ये प्रॉपर्टी ट्रू है। अगर इरेशनल आता है तब अगर ए प्लस रूट बी एक रूट है तो ए माइनस रूट बी भी एक रूट होगा, प्रोवाइडेड इरेशनल रूट एग्जिस्ट करता है। अगर रैशनल रूट एग्जिस्ट करता है तो सेकंड प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है, सेकेंड प्रॉपर्टी तभी ट्रू है जब इरेशनल रूट एग्जिस्ट करता है। अगर सारे रूट्स रैशनल है तो सेकेंड प्रॉपर्टी का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी जो बताया गया, इफ ऑल कोएफिशिएंट्स आर पॉजिटिव तो कोई भी पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इस केस में जो भी रूट होगा, देखिए मैं यहां पे बोल रहा हूं पॉजिटिव रियल रूट होगा नहीं होगा सॉरी पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव रियल रूट भी हो सकता है कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है। यहां पे सिर्फ बोला गया है पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा, नेगेटिव रियल रूट्स भी हो सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है, पॉजिटिव रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ even powers of x are all of same sign and the coefficients of
odd powers of x are all of contrary signs, then the equation will not have any negative root. कभी भी जब हम ये negative root, positive root की बात कर रहे हैं ना, मतलब हम real root की बात कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है, जब हम positive root या negative root की बात कर रहे हैं, मतलब हम real root की बात कर रहे हैं. तो क्या बोला गया है? इक्वेशन के अंदर जो इवन पावर्स ऑफ x है, इवन पावर्स ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन का है, ऑड पावर्स ऑफ x का जो कोएफिशिएंट है वो ऑल ऑफ आर कंट्रेरी साइंस, मतलब ऑपोजिट साइन के हैं. कैसे? देखिए ये एक एग्जांपल है, इसमें पहले इवन पावर्स की बात करते हैं. इवन पावर्स कहां पे दिख रहे हैं आपको? x टू द पावर जीरो है, तो इवन पावर्स यहां पे दिख रहे हैं. इन सब का साइन क्या है कोएफिशिएंट का? नेगेटिव. तो इवन पावर्स ऑफ x हैव नेगेटिव कोएफिशिएंट्स. एंड जो ऑड पावर्स ऑफ x है उन सब का ऑपोजिट साइन है. देखिए कोएफिशिएंट का odd powers of x, x to the power 7, x to the power 5, x cube, 7x. इन सब का coefficient क्या है? positive, opposite, contrary sign जो ऊपर लिखा गया है. तो जितने भी even powers of x है उनका negative coefficient है, और जितने भी odd powers of x है उनका positive coefficient है. इस type के equation के कोई भी negative रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, कोई भी नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. पॉजिटिव रियल रूट हो सकता है, कॉम्प्लेक्स रूट हो सकता है, बट नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये ध्यान रखिएगा, इसमें पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट कर सकता है या कॉम्प्लेक्स रूट भी एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा. ये ऊपर वाला था, इसमें पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसमें क्या क्या आ सकता है? इसमें नेगेटिव रियल रूट आ सकता है, जो थर्ड पॉइंट था, उसमें नेगेटिव रियल रूट आ सकता है या कॉम्प्लेक्स रूट आ सकता है. ठीक है, क्लियर? इसमें हम ये जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट है इसमें रैशनल इरेशनल की बात ही नहीं कर रहे हैं, कुछ भी आ सकता है. जब हम रैशनल इरेशनल की बात नहीं कर रहे हैं, कहीं पे मेंशन नहीं किया जा रहा है, मतलब कुछ भी आ सकता है. अगर पर्टिकुलरली रैशनल इरेशनल होता तो मेंशन कर दिया रहता. तो थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी में कुछ मेंशन नहीं किया गया है, मतलब रैशनल इरेशनल कुछ भी आ सकता है. यहां पे जस्ट बोला जा रहा है अगर सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव रियल रूट नहीं आ सकता. अब नेगेटिव रियल रूट जो है वो तो रैशनल इरेशनल कुछ भी हो सकता है ना. नेगेटिव रियल रूट बोला गया है, रैशनल थोड़ी ना बोला गया है. रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है. और इसमें क्या बोला गया? जो इवन पावर्स हैं उनका कोएफिशिएंट एक पर्टिकुलर साइन का है. आप लोग कोई भी वीडियो या जो ऑडियो है वो ऑन मत कीजिए, बार बार यहां पे पॉपअप आ रहा है स्क्रीन के ऊपर. वीडियो ऑडियो ऑफ कर दीजिए. और जो फोर्थ पॉइंट बताया गया है, जो इवन पावर्स ऑफ एक्स है उनका कोएफिशिएंट एक पर्टिकुलर टाइप का है, जैसे नेगेटिव कोएफिशिएंट है. और जो ऑड पावर्स ऑफ एक्स है उनका कोएफिशिएंट ऑपोजिट है, मतलब इसका नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव कोएफिशिएंट है. ऐसा भी हो सकता है जो इवन वाले के लिए पॉजिटिव कोएफिशिएंट हो, ऑड वाले के लिए नेगेटिव कोएफिशिएंट हो. ऑपोजिट होना चाहिए, जो कॉन्ट्रेरी साइन बोला गया है. तब क्या होगा? इस टाइप के इक्वेशन के कोई भी नेगेटिव रियल रूट एग्जिस्ट करते ही नहीं है,
पॉजिटिव रियल रूट एग्जिस्ट करेगा या कॉम्प्लेक्स रूट। पॉजिटिव रियल रूट के अंदर रैशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है, जब कुछ नहीं मेंशन किया जाए मतलब दोनों हो सकते हैं। तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन किया है जो थर्ड और फोर्थ पॉइंट में क्या कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रूट भी पॉसिबल होंगे, वो डिपेंड करेगा कोएफिशिएंट रियल है या कॉम्प्लेक्स है। जैसे यहां पे कोएफिशिएंट रियल है, यहां पे जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या है, रियल। रियल कोएफिशिएंट अगर है और कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी आएगा। जैसे ये है, इसमें कोएफिशिएंट क्या है, रियल, तो कोएफिशिएंट रियल है, तो इस केस में अगर कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करता है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी एग्जिस्ट करेगा रूट। तो वो तो फर्स्ट पॉइंट के साथ चेक करना पड़ेगा, अगर रियल कोएफिशिएंट है तो कॉम्प्लेक्स रूट है तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट भी रूट होगा। तो वो होगा अगर इक्वेशन के कोएफिशिएंट रियल है, जैसे इसमें भी रियल है इसमें भी रियल है, कॉम्प्लेक्स रूट आता है, अगर आता है तो लैम्डा भी रूट होगा, लैम्डा स्टार भी रूट होगा, वो तो कैलकुलेट करने के बाद ही देखना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लेक्स आता है तो लैम्डा लैम्डा स्टार दोनों एग्जिस्ट करेंगे। और कोई डाउट है इसमें? तो मैं आगे प्रोसीड कर रहा हूं। नेक्स्ट लास्ट टू पॉइंट्स, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखिए, इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन कंटेन्स ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स, जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है उसके अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इवन पावर्स ऑफ एक्स ओनली, सिर्फ इवन पावर्स ऑफ एक्स प्रेजेंट है, एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर ऑफ सेम साइन, जितने भी कोएफिशिएंट है सारे सेम साइन के हैं। सेम साइन मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। ऑल आर सेम साइन का मतलब सारे पॉजिटिव साइन भी हो सकते हैं सारे नेगेटिव साइन भी हो सकता है। तो इक्वेशन के अंदर सिर्फ क्या प्रेजेंट है, इवन पावर्स ऑफ एक्स, एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर ऑफ सेम साइन, जितने भी कोएफिशिएंट है वो सारे सेम साइन के हैं, सारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं। देन द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट, इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं होंगे, ओनली कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी रियल रूट नहीं होगा, ओनली कॉम्प्लेक्स रूट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल नोटिस कीजिए, ये जो इक्वेशन है इस सबके अंदर क्या है, इवन पावर्स, देखिए सारे इवन पावर्स ऑफ एक्स हैं, और सबके जो कोएफिशिएंट है वो सेम साइन के हैं पॉजिटिव साइन के, इनके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, नो रियल रूट। इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है ये, तो आपको लग सकता है इसका पता नहीं रूट क्या होगा, बस इसका रूट थोड़ा किसी को याद रहता है, वो तो आपको सॉफ्टवेयर में पुट करके चेक करना ही पड़ेगा क्या आता है। तो मे भी लग रहा है ये सच में क्या ऐसा होता है, रियल रूट नहीं होगा, इसका एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। अगर आप ये इक्वेशन की बात करें, एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये भी एक एग्जाम्पल है। इसमें आप देखिए सिर्फ इवन है ना, इवन पावर्स है, और दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, सेम साइन, तो इसके अंदर सिर्फ इवन पावर्स प्रेजेंट है, एक्स के इवन पावर्स, और जितने भी कोएफिशिएंट है वो सेम साइन के है, दोनों पॉजिटिव है। इसके जब आप रूट्स कैलकुलेट करते हैं तो क्या आता है, ये तो आएगा अंडर रूट माइनस वन, तो प्लस माइनस आयोटा, तो ओनली कॉम्प्लेक्स रूट्स, जो फिफ्थ पॉइंट बताया गया उसी का एग्जांपल है। ये काफी सिंपल सा एग्जांपल है, बिकॉज़ ये रिजल्ट हमें पता है तो आप ये प्रॉपर्टी सही है तब अप्रिशिएट कर सकते हैं, बाकियों के लिए तो आपको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा।
ये रिजल्ट हमें पता है इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? एक चीज यहां पे ध्यान रखिएगा, बस वन सेकंड, यहां पे भी किसी ने क्वेश्चन किया है ओनली इवन पावर्स ऑफ एक्स का मतलब है इसके अंदर एक्स टू दी पावर टू एन से, इवन पावर मतलब एक्स टू दी पावर टू एन, एक्स टू दी पावर टू एन माइनस टू यहां से शुरू करके एक्स टू दी पावर जीरो तक रहना चाहिए। मतलब शुरू कहां पे होगा एक्स टू दी पावर टू एन से और लास्ट कहां तक जाएगा एक्स टू दी पावर जीरो तक, मतलब ऐसे कॉन्स्टेंट टर्म भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए कॉन्स्टेंट टर्म भी होना चाहिए एक्स टू दी पावर जीरो। इसके सेवन का मतलब क्या है एक्स टू दी पावर जीरो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम सम इवन पावर कहां तक जब खत्म होगा एक्स टू दी पावर जीरो पे जाके खत्म होगा। प्लीज बी केयरफुल। क्लियर? एंड सिक्स प्रॉपर्टी, इसमें सिर्फ ऑड पावर की बात की गई है। इफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन कंटेन्स ओनली ऑड पावर्स ऑफ एक्स, ऑड पावर्स ऑफ एक्स का मतलब है ये स्टार्ट होगा किसी ऑड पावर से एक्स टू द पावर टू एन प्लस वन, और ये कहां तक है ये एक्स टू द पावर वन, एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर ऑफ सेम साइन, जितने भी कोएफिशिएंट है वो सेम साइन के हैं, देन द इक्वेशन विल नॉट हैव एनी रियल रूट एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू जीरो। इसके अंदर अगर सिर्फ ऑड पावर्स हैं, कोई ऑड पावर से स्टार्ट होगा लास्ट कहां तक जाएगा एक्स तक जाएगा, एंड ऑल कोएफिशिएंट्स आर ऑफ सेम साइन, सेम साइन का मतलब सारे पॉजिटिव सारे नेगेटिव भी हो सकते हैं, देन इस इक्वेशन के सिर्फ एक ही रियल रूट एग्जिस्ट करेगा एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो के अलावा और कोई रियल रूट इसका एग्जिस्ट नहीं करेगा, बाकी सारे क्या होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स। ये एक एग्जांपल है, इस इक्वेशन का एक ही रियल रूट आएगा एक्स इक्वल टू जीरो एंड ऑल अदर्स आर कॉम्प्लेक्स रूट्स। All other roots are complex. तो जिसमें odd powers present होंगे, कुछ odd power से start हो रहा है, कहां तक जाएगा x तक, इसमें एक ही real root होगा x equal to zero, बाकी सारे complex होंगे। All others are complex. तो these are some important points जो आप याद रख सकते हैं regarding roots, किसी भी polynomial equation के रूट्स जो होंगे उनका नेचर क्या होगा उसके रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं। तो पांच मिनट ही बचा हुआ है तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, बिकॉज जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो खत्म तो होगा नहीं। तो नेक्स्ट क्लास में हम ये रूट्स कैलकुलेट करने का जो डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं, हम बेसिकली तीन मेथड डिस्कस करेंगे, बाइसेक्शन, न्यूटन रैप्सन एंड रेगुला फॉल्सी मेथड, ये तीन मेथड्स हम डिस्कस करेंगे वन बाई वन। ओके, तो किसी को कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ सकता है। DPP 17 question number 20, just one second. Question number 20. Okay, bata rahe. DPP 17 question number 20 bata rahe. क्वेश्चन नंबर 15 भी बताना सर।
क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स गिवन है, एलिमेंट्स हैं 2, 1, 1p, 2 by 2 मैट्रिक्स है, दो आइगन वैल्यूज आएंगी, इनका आइगन वैल्यूज का जो रेशियो है वो 3:1 है फॉर p इक्वल टू 2, देन व्हाट इज द अनदर वैल्यू ऑफ p जिसके लिए रेशियो 3:1 आएगा। अब मुझे बताइए इस मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यूज है, सपोज दो आइगन वैल्यूज है, तो आइगन वैल्यूज का सम क्या होता है? आइगन वैल्यूज का सम होता है ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। इसका ट्रेस कितना है? p+2। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ द आइगन वैल्यू होता है वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स। इसका डिटरमिनेंट चेक कीजिए, ये आएगा 2p-1। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है जो आइगन वैल्यूज है उनका रेशियो जो है वो कितना है? 3:1। इसका मतलब बोल सकते हैं λ1/λ2 इज 3/1। यहां से हम लिख सकते हैं λ1 = 3λ2। ये आएगा, तो यहां पे अगर हम चेक करें, देखिए क्या आ रहा है, जो पहला रिलेशन है उससे क्या आएगा? यह आ जाएगा 4λ2। जो पहला रिलेशन है इससे आएगा 4λ2 = p+2, मतलब λ2 = p+2। यह है, और जो सेकेंड रिलेशन है डिटर्मिनेंट वाला, उसमें अगर आप ये रिप्लेस करें λ1 के बदले 3λ2, तो आ जाएगा 3λ2² = 2p-1। यह आएगा। नाउ ये जो λ2 के बदले p+2/4 यहां पे होगा, राइट, p+4 ये आया है ना, इसको आप यहां पे रिप्लेस कर दो, 3λ2² आ जाएगा बाई 16 p+2² तो p² + 4p + 4 और राइट हैंड साइड में है 2p-1। तो बेसिकली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, आई थिंक ये आगे देखिए 3p² + 12p - 32p, तो ये जाएगा -20p, 12 + 16 = 28। तो यहां से p के दो वैल्यूज पता नहीं चल जाएंगे, एक वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, दूसरा वैल्यू कैलकुलेट करना है। ये बेसिकली क्या होगा, चेक कीजिए, ये होगा 3p² 20 आएगा -14p, या -6p पहले लिखते हैं, -6p - 14p। तो यहां से p के दो वैल्यूज निकलेंगे, एक आएगा p = 2 और दूसरा आएगा p = 3p - 14, आएगा 14/3। तो एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन में गिवन है p = 2, दूसरा पूछा गया है 14/3 आंसर होगा। ठीक है, ओके, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, 14/3। ये 2 तो क्वेश्चन में गिवन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डीपीपी 17 का जो क्वेश्चन नंबर 15 है, मैट्रिक्स गिवन है, उसके आइगन वैल्यूज का फॉर्मेट गिवन है, तो पूछा गया है व्हाट इज a+b। तो जो वेक्टर गिवन है अगर उसका आइगन वेक्टर है,
तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब मैट्रिक्स जो है इसको अगर हम आइगन वेक्टर के ऊपर ऑपरेट कर दें इसका आइगन वैल्यू तो डायरेक्ट बता सकते हैं ना इस मैट्रिक्स का, ये क्या मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर, इसके आइगन वैल्यूज क्या आएंगे, वन एंड टू, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वही तो इसके आइगन वैल्यूज होंगे ना, वन एंड टू। तो आइगन वैल्यू इक्वेशन क्या आएगा, लैम्डा इनटू दिस, और दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, मैट्रिक्स ऑपरेटिंग ऑन आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर क्या है, वन बी, और आइगन वैल्यू टू इनटू दिस। आइगन वेक्टर है तो आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और आइगन वैल्यू आप आसानी से बता सकते हैं बिकॉज ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, जो प्रिंसिपल डायगोनल है वही आइगन वैल्यू होगा। तब चेक करके देखिए ए किस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, पहले वाले को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए यहां से आएगा वन प्लस टू ए, वन प्लस टू ए इक्वल टू वन, तो यहां से ए कितना चला आएगा, जीरो। और यहां से अगर आप चेक करें वन प्लस टू बी इक्वल टू टू, यहां से बी का वैल्यू चला आएगा वन बाई टू, तो ए और बी पता चल गया तो ए प्लस बी भी पता चल जाएगा, वन बाई टू होगा आंसर, सेकेंड ऑप्शन। सर क्वेश्चन नंबर 27 में हम लोग को डीजनरेट आइगन वैल्यूज बतानी है, 3x3 मैट्रिक्स है, तो मेरा 2 आ रहा है, मींस 2 2 2 आइगन वैल्यूज है जो सेम है, लेकिन सर आंसर 5 दिया हुआ है, 2 2 2 और बाकी तीसरा कौन सा आ रहा है, 2 2 3 5 आ रही है सर, थर्ड 5 आ रही है, 2 2 3 में ट्रेस मैच कर रहा है, 2 2 3 में तो ट्रेस ही मैच नहीं करेगा, यस सर, ट्रेस तो 12 है, थर्ड 5 आ रही है सर, 2 5 5 आएगा, 2 5 ओके ओके यस सर, 255 है, इन दोनों के साथ कंपेयर करके ए और बी का वैल्यू पता चला, मैंने वैसे किया है, एक ही बात, एक ही बात, सही मेथड सर, एक बार 28 बताना थोड़ा, कौन सा 28 में जो मैट्रिक्स गिवन है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, 28 में जो ए मैट्रिक्स गिवन है, चेक कीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या बताए गए थे, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वही होंगे, तो ए मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू है 1 2 3, अब पूछा गया है आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 प्लस 3 ए माइनस 2 वाई, हमने जो आइगन वैल्यूज के प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उसमें बताया गया था, इसको हम क्या लिख सकते हैं, आइगन वैल्यू ऑफ ए टू द पावर 4 माइनस प्लस आइगन वैल्यू ऑफ 3 ए माइनस आइगन वैल्यू ऑफ 2 आई, तो तीनों का कैलकुलेट करके प्लस माइनस जो भी करना है कर दीजिए, ए टू द पावर 4 का क्या होगा 1 16 81, 3 ए का आइगन वैल्यू क्या होगा 3 6 9, और 2 आई का होगा 2 2 2, आई का 1 1 1 होता है 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जस्ट इन तीनों को प्लस माइनस जो भी है जिस सीक्वेंस में उस सीक्वेंस में प्लस माइनस कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर, फर्स्ट आंसर आ जाएगा 2 20 88। ओके सर, थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 6 में एक तो डीजनरेट आइगन वैल्यू आ रही है 1 1 और एक नॉन डीजनरेट आइगन वैल्यू -1 आ रही है,
क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 कॉमन डाटा वाला डीबीपी शीट। हां 17 में। तो इसमें सर आइगन वेक्टर पूछ रहा है डीजनरेट आइगन वैल्यू के करस्पोंडिंग। तो सर डीजनरेट आइगन वैल्यू जो 1 है उसके करस्पोंडिंग तो एक ही आइगन वेक्टर मिल रहा है। एक चीज बताइए डीजनरेट क्या क्या आइगन वैल्यू क्या आ रहा है? 1 1 -1 1 1 -1। यस सर चेक करते हैं, ये याद तो नहीं है। मैट्रिक्स है (1 0 0 0 0 1 0 1 0) जैसा आप बता रहे हैं इसका आइगन वैल्यू 1 1 1 ठीक है। तो ये चेक कर लीजिएगा, मैंने ये पता नहीं है, मैंने आपने जो बोला वही लिखा है मैंने। तो सर वो चेक कर लो, तो ट्रेस से भी मैच कर रहा है, डिटरमिनेंट भी आ रहा है। ठीक है ठीक है। अब सर इसमें 1 के करस्पोंडिंग जब आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं तो वो मेरा 1 0 0 आ रहा है। चलिए देखते हैं दिस वन (a - λ)(λ = 1) है ना, तो ये आ जाएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 ठीक है। मतलब x2 और x3 0 बन रहा है सर, -1 आएगा ना ये a22 इसमें राइट राइट माइनस सर थर्ड में भी a3 माइनस वन, तो रिलेशन आएगा x2 = x3। तो 1 0 0 कैसे आ रहा है सर? मैंने भी सेम गलती करी है, मैंने भी 0 0 रखी है। ठीक है, x2 = x3 है और x1 कैन बी एनीथिंग। हाँ आ जाएगा, दो मेरे से भी इसमें रैंक 1 आ रहा है तो आइगन वेक्टर 2 आएंगे। ठीक है, सर जैसे एक चीज होती है, जैसे कोई मैट्रिक्स है उसकी 2 आइगन वैल्यू आ रही है, दोनों नॉन डीजनरेट आ रही है। अब उस दोनों आइगन वैल्यू करस्पोंडिंग एक एक आइगन वेक्टर मिलेगा इंडिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट एक एक आइगन वेक्टर मिलेगा। बिल्कुल। तो सर जैसे वो कुछ के फॉर्म में मिलता है k10 और k01 ऐसे करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ, या कुछ भी मिलता है, तो फिर उसमें जो दोनों आइगन वेक्टर है उनके करस्पोंडिंग k की वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है ना, वो ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा कौन सी मैच कर दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन के हिसाब से मैच करना पड़ेगा, ये कोई जरूरी नहीं है ना कि दोनों में k की वैल्यू सेम ही लेके चलना। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, हेलो, हाँ बताइए। आप बोले थे ना कि रो रो में जो एलिमेंट है उसका अगर प्लस करूं और हर हर रो में प्लस मतलब वो एडिशन, तो वो साम अगर सेम है जैसे कि वो एक आइगन वैल्यू होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इट इज वैलिड फॉर कॉलम्स आल्सो राइट। इफ टू साम्स आर डिफरेंट मतलब एलिमेंट्स द साम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ रो एंड द साम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉलम आर डिफरेंट, तो बोथ आर द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। हां बिल्कुल, बोथ आर विल बी आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ठीक है, थैंक यू। सर डीबीपी 18 में सर ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है जिसमें मैट्रिक्स दिया है उसका इनवर्स का फाइंड करना है, ऐसे वो कैसे करेंगे? क्यों, क्या हैमिल्टन थ्योरम सर? लेकिन उसके इनवर्स में, इनवर्स का भी सेम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होगा जो एक हो। नहीं इनवर्स का नहीं, हमने क्या किया था, पहले हम मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैलकुलेट करेंगे, वो तो गिवन है क्वेश्चन में। यस सर। तो दोनों को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों तरफ। ओके सर। ठीक है, सर आपने जो जस्ट वाला क्वेश्चन करवाया था उसकी स्लाइड निकालना। कौन सा, रिफ्लेक्शन वाला? यस सर। सर इसमें ट्रांसलेशन के लिए कैसे चेक करेंगे?
ट्रांसलेशन में क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखिए जो x डैश है, जो नया x कोऑर्डिनेट है, वो एक्स वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है, y डैश जो है वो एक्स वाई दोनों पे डिपेंड कर रहा है। जब ट्रांसलेशन होता है ना, तो x डैश सिर्फ x पे डिपेंड करता है, y डैश सिर्फ y पे डिपेंड करता है। जैसे अगर ट्रांसलेशन होता, अगर कोई ट्रांसलेशन है, इन दैट केस x डैश विल डिपेंड ओनली ऑन x, उसमें y का डिपेंडेंसी आएगा ही नहीं, और y डैश का जो इक्वेशन आएगा उसमें सिर्फ y का डिपेंडेंसी आएगा, x का नहीं आएगा। जैसे यहां पर x डैश के अंदर एक्स वाई दोनों का डिपेंडेंसी है, y डैश के अंदर एक्स वाई दोनों का डिपेंडेंसी है, तो यह सिर्फ रोटेशन या रिफ्लेक्शन के लिए हो सकता है। ट्रांसलेशन होता सिर्फ एक का ही डिपेंडेंसी आता। जैसे एग्जाम्पल अगर हम देखें, सपोज ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, हमने क्या किया, इसको इसका ट्रांसलेशन मोशन अलोंग सम लाइन, सपोज ऐसा हुआ, ट्रांसलेशन के बाद ये कोऑर्डिनेट सिस्टम ऐसा बन गया। अभी जो ट्रांसलेशन हो रहा है वो किस लाइन के अलोंग हो रहा है, इस लाइन के अलोंग। यस सर। तो अब बताइए इस वो क्या वाई पे डिपेंड करेगा? नो सर। तो इसीलिए यहां बोला है मैंने, जो एक्स जो ट्रांसलेशन होता है, तो जो नया x कोऑर्डिनेट है वो सिर्फ पुराने x कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करता है, पुराने y कोऑर्डिनेट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे y डैश है नया वाला, ये सिर्फ पुराने y कोऑर्डिनेट पे ही डिपेंड करेगा, x पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, मतलब इसमें अगर x x वाला होता तभी बोलते वो ट्रांसलेशन, तभी ट्रांसलेशन हो सकता था। मैं नहीं बोल रहा हूं होगा ही, हो सकता था, लेकिन सिंस यहां पे x डैश के अंदर y प्रेजेंट है तो ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर सिर्फ एक्स होता ना, सपोज यहाँ पे सिर्फ एक्स होता तो उसमें भी और भी कुछ क्राइटेरिया चेक करना पड़ता, लेकिन सिर्फ वाई है तो ट्रांसलेशन तो हो ही नहीं सकता, ये तो एलिमिनेट हो गया। सर फिर मतलब इसमें अगर एक्स ही हो तब कैसे बताएंगे? उस केस में सिर्फ इस इंफॉर्मेशन से बताना पॉसिबल नहीं होगा। अगर सिर्फ सपोज यहाँ पे सिर्फ एक्स होता या यहाँ पे सिर्फ वाई होता तो इस इंफॉर्मेशन से बताना पॉसिबल नहीं, तो और भी कुछ होना चाहिए था क्वेश्चन। ठीक है सर। सर एक्स या वाई पे डिपेंडेंसी तो सही है, लेकिन उसमें कुछ कांस्टेंट टर्म एडिशन या सब्सट्रैक्शन भी तो होना जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए। जो ट्रांसलेशन में हम एडिशन की बात कर रहे हैं ना, तो एडिशन को हम तो प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना चेंज करके। सपोज आपके पास एक कोऑर्डिनेट था, कोई कोऑर्डिनेट ले लीजिए 1 1, सपोज ये ट्रांसलेट करके बन गया ये 3 5, सपोज ये बन गया। अब बताइए एक्स कोऑर्डिनेट में कितना ट्रांसलेशन हुआ है, 2 यूनिट, और वाई में कितना हुआ है, 4 यूनिट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स डैश इक्वल टू एक्स प्लस टू ऐसे लिख सकते हैं, एंड वाई डैश इक्वल टू वाई प्लस 4। ठीक है, या इसको हम तो मल्टीपल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना, ऐसे कोई अगर ऐसे लिखना चाहे x डैश इक्वल टू 3x एंड y डैश इक्वल टू 5y, रिलेशन तो ट्रू है ना इसमें। सर लेकिन ये एक और एक क्वेश्चन किया था हमने, उसमें आप ये प्रोडक्ट वाले को एक्सपेंशन बोल रहे थे और एडिशन वाले को ट्रांसलेशन बोल रहे थे। ये मैं सिर्फ इस पॉइंट के कॉरिस्पोंडिंग बोल रहा हूँ, इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ। ओके सर, इन जनरल नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, जैसे कोई भी पॉइंट ट्रांसलेट कर रहा है, एक्स डैश सिर्फ एक्स पे डिपेंड करता है, वाई पे नहीं। ओके सर। ठीक है सर, इससे पहले
ध्यान रखिएगा, जैसे आपने मुझे क्वेश्चन किया जी इसको तो मैंने एक्सपेंशन बताया था, ध्यान रखिएगा सिर्फ ये देख के ये एक्सपेंशन है या ट्रांसलेशन है वो बताना थोड़ा मुश्किल है, और भी क्वेश्चन में कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। इसलिए जो किसी ने क्वेश्चन किया था ना, इसमें अगर ये वाई ना होता तो क्या ट्रांसलेशन बोल देते? बिल्कुल नहीं बोलते, उसके लिए और भी कुछ इन्फॉर्मेशन होना चाहिए था, तभी हम बोल सकते हैं। ठीक है, ओके सर। हाँ बताइए क्या क्वेश्चन था। तो इससे पहले आपने गेट 2019 वाला क्वेश्चन कराया था ना? कौन सा गेट 2019 वाला? आप मुझे बताओ अगर आपका रोटेशन एक्सिस जेड एक्सिस है, जेड एक्सिस के अलोंग वेक्टर का मतलब उसका एक्स और वाई कंपोनेंट तो जीरो ही है। कोई वेक्टर अगर जेड एक्सिस के अलोंग है, ठीक है, कोई वेक्टर अगर जेड एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है तो उस केस में क्या होगा? उसका डायरेक्शन भी तो सिर्फ जेड के अलोंग ही होगा, उसमें एक्स और वाई कंपोनेंट का रहेगा नहीं। तो जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो उसका वाई और जेड जीरो है। अब बताइए तो सर फिर इसमें जो ये यूनिट वेक्टर है तो इसमें तो एक्स और वाई कंपोनेंट है ना इसके? ये डायरेक्शन क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है? ये डायरेक्शन तीनों प्रेजेंट है ना, ये कोई पर्टिकुलर एक्स वाई जेड थोड़ी ना है। सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एक ही होगा ना, या तो एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया, जेड एक्सिस होगा? बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो सकता है। मैंने सिर्फ तीन स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं, एक्स वाई जेड। रोटेशन तो हम किसी एक्सिस का अबाउट भी कर सकते हैं, मना किसने किया है? हमने कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस किए हैं, ये कोई आरबिट्री एक्सिस ऑफ रोटेशन इन तीन का मिक्सचर भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। ओके ओके, मैं वो सोच रहा था सर एक्सिस ऑफ रोटेशन तो एक ही फिक्स डायरेक्शन में होगा। नहीं नहीं, वो किसी भी एक्सिस का बोर्ड हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है या कोई भी आर्बिट्री एक्सिस हो सकता है। कांसेप्ट ये है कि बस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगा तो वेक्टर फिक्स रहेगा, मतलब उस एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर होंगे वो फिक्स रहेंगे। ओके सर, रिफ्लेक्शन वाला एक बार, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स का स्लाइड एक बार दिखाइए सर। यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखे ना, x test equals to x equals to 1 into x plus 0 into y, ये कैसे आया सर? ये इसी को ऐसे लिखा गया ना? अच्छा अच्छा, इसी को ऐड करेंगे तो x ही तो आएगा। ठीक है सर, ये इसमें भी कुछ प्रॉपर इम्प्रॉपर थोड़े होता है रिफ्लेक्शन में? इसमें ऐसे प्रॉपर इम्प्रॉपर तो यूज नहीं करते मुझे जहां तक पता है, रोटेशन के लिए करते हैं। रोटेशन के लिए प्रॉपर रोटेशन इम्प्रॉपर रोटेशन रहता है। सर वो एक बता रहे थे ना न्यूमेरिकल टेक्निक में मैनुअल और न्यूमेरिकल, सर मैनुअल मतलब कौन सा मेथड? मैनुअल मतलब जो जो हाथ से कैलकुलेशन कर रहे हैं। ओके, स्टेप बाय स्टेप किया ना अपने, जो मल्टीप्लिकेशन ऐड मैनुअली कर रहे हैं। ठीक है, और एक तो होता है सॉफ्टवेयर में आपने डाल दिया, वो अपने आप अपने में कंप्यूटर कैलकुलेट करेगा। सर जैसे दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, तो उनके प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा वो उनके पर्टिकुलर डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। जैसे डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए टू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो ऐसा कोई केस ट्रेस के लिए तो एप्लीकेबल नहीं है ना कि ट्रेस ऑफ ए बी बराबर ट्रेस ऑफ ए इनटू ट्रेस ऑफ बी होगा? ऐसे ट्रेस ट्रेस के लिए नहीं होता। सर एक क्वेश्चन था जेस्ट 2020 का प्रीवियस ईयर पेपर में, वो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, हाँ हाँ वो वाला, वो आइगन वैल्यू का प्रॉपर्टी यूज कीजिए। जैसे क्वेश्चन में n बाई n मैट्रिक्स के लिए बोला गया है ना, उसको आप 2 बाई 2 मान के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। सर ये करेक्ट होगा 2 बाई 2 के लिए? हाँ बिल्कुल करेक्ट होगा, मतलब ऐसे एग्जांपल मान के करना सही रहता है। देखिए n बाई n के लिए, n बाई n के लिए होता है ना, तो हम 2 बाई 2 3 बाई 3 के लिए करते हैं। इस केस में क्या हो रहा है, 2 बाई 2 के लिए आंसर मैच कर जा रहा है। हाँ हाँ ठीक है, n बाई n के लिए एग्जाम में बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा ना, n बाई n के लिए प्रूफ करने बैठेंगे तो। बताइए जैसे क्वेश्चन जो है जस्ट वाला, जस्ट वन सेकंड, हाँ क्वेश्चन में n बाई n हर्मिशियन मैट्रिक्स है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आप एक टू बाई टू पहले मान लीजिए, ठीक है, जिसमें लिख देता हूँ, टू बाई टू हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके आइगन वैल्यूज है लैम्डा वन लैम्डा टू, ये आएगा, एंड ए स्क्वायर जो है उसके आइगन वैल्यूज आएंगे लैम्डा वन स्क्वायर लैम्डा टू स्क्वायर, तो क्वेश्चन में कुछ पूछा गया है एन ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, ये जो है तो ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर, अगर हम पहले चेक करें ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर है मतलब लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू होल स्क्वायर, एंड और जो दूसरा टर्म है वो है एन इनटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, तो ये अगर हम चेक करें तो ये आएगा एन इनटू, और एन यहाँ पे क्या है ऑर्डर टू लिया है हमने, तो ये यस ठीक है। नाउ अगर हम इनका डिफरेंस कैलकुलेट करें मतलब एन इंटू ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए होल स्क्वायर, इनका डिफरेंस ही बेसिकली बताना है पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा ये चेक करना है हमें, ये अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो देखिए आएगा ये बेसिकली आ जाएगा लैम्डा वन स्क्वायर प्लस लैम्डा टू स्क्वायर माइनस टू लैम्डा लैम्डा टू, बस ए प्लस बी होल स्क्वायर को ब्रेक कीजिए आ जाएगा ये, तो ये बेसिकली क्या है लैम्डा वन माइनस लैम्डा टू होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में एक चीज मेंशन, क्वेश्चन पढ़ना इसलिए बहुत जरूरी है, क्वेश्चन में बोला गया है ए मैट्रिक्स जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीपल नहीं है, तो ए इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका मतलब ए के जो आइगन वैल्यूज है वो डिफरेंट होंगे ना, यस सर, तो लैम्डा वन और लैम्डा टू जो है वो डिफरेंट होगा सेम नहीं होगा, तो ये जीरो आएगा या पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, नेगेटिव कैसे आ सकता है स्क्वायर है ना, मतलब लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 पॉजिटिव आ सकता है या नेगेटिव आ सकता है, पर स्क्वायर होके नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, ठीक है। हाँ सर इसमें तो 2 into 2 का मान के पता लग रहा है कि वो 3 into 3 के लिए वैलिड होगा, अगर ऐसा होता जे 2 by 2 के लिए दो ऑप्शन, ऐसा कोई ऑप्शन ये दो ऑप्शन मैच कर जाते तब हमें 3 by 3 के लिए चेक करना पड़ता, ओके सर बताइए, हाँ ये तो स्कीम ट्रेस इस कम तो 2 आई थिंक 2 इज मिसिंग हियर, नो जस्ट ये माइनस कीजिए ना, ये 2 लैम्डा 1 स्क्वायर है और ये माइनस भी तो करना है, यहाँ पे ए प्लस भी हो स्क्वायर फॉर्मूला रिप्लेस कीजिए, एक लैम्डा 1 स्क्वायर कैंसिल करके ये आ जाएगा, ओके ओके ये पूरा कैलकुलेट करो आ जाएगा, हां हां ओके थैंक यू। ठीक है मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, थैंक यू सर।